بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ماہ کریم کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید میری دعا ہے کہ یہ رمضان مبارک اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ آپ کی روحانی مناظر میں اضافہ کرے آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حسن اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اسے معاف کرو میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں
نجم ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. आप सभी को 16वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि जिस तरीके से रमज़ान गुजरता जा रहा है, रहमतें हम लोग समेट रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दिल में एक इज़्तिराब भी है कि रमज़ान गुजरता जा रहा है। पहला अशरा रहमत का गुजर गया, दूसरा मगफिरत का भी अपने आखिरी अयाम में है, और फिर इसके बाद जहन्नुम से खुलासी। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होनी चाहिए कि इबादत करें, रियाजत करें, और न सिर्फ रमज़ान में बल्कि रमज़ान में अपने आप को तैयार कर लें कि बाकी पूरा साल हम लोग इस रवैये को अपनाए रखें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। इतनी खूबसूरत हमारे दीन और इस्लाम ने हमें चीज़ें सिखाई हैं। अल्लाह फरमाता है अरीज के, जब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कलाम करूं तो कुरान पढ़ा करो, और जब तुम ये चाहते हो कि तुम मुझसे कलाम करो तो नमाज़ पढ़ा करो। तो रमज़ानुल मुबारक, जहाँ पर पहले आसमान पर अल्लाह का अर्श आ जाता है और रात में 3 दफ़ा अल्लाह पुकारता है कि है कोई जो मुझसे मगफिरत तलब करे, है कोई जो मुझसे जहन्नुम की खुलासी तलब करे, है कोई जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसको अता करूं। तो आज जिस तरीके से अरीज ने बोला कि हमारा टॉपिक है हुस्न इखलाक, इस्लाम की बुनियाद हुस्न इखलाक, ये जो इस्लाम की इमारत है ये इखलाकियात के ऊपर खड़ी है। और शायद आज दुनिया में हम लोग इबादत का दीन तो ले आए हैं, हम भी इबादत कर लेते हैं, लेकिन इखलाकियात का दीन कहीं हम उससे दूर हैं। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, जब हम हुस्न अखलाक की बात करते हैं तो उसका मौजू इंतहाई वसी है। इसमें बहुत से नेक अमाल आते हैं, जैसे दरगुजर करना, गुस्से का इजहार नहीं करना, भलाई का काम करना, गुस्सा पी जाना, बदी से रोकना, बुराई से रोकना। इसी के साथ अभी बताते चलूँ कि जो आपने तिलावत कुरान पाक समाअत फरमाई उसे पढ़ने की सआदत हासिल की कारी राशिद अजीज ने। अब बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल, बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने। तो सीफ़े नबी में खो जाए हम ऐसे बसर दिन रात करें तो सीफ़े नबी हम ऐसे बसर दिन रात करें कुछ उनकी अता का जिक्र करें कुछ उनके करम की बात करें कुछ उनकी अता का जिक्र करें कुछ उनकी अता का जिक्र करें कुछ उनके करम की बात करें कुछ उन करम की बात करें जब सामने उनकी जाली हो रूम पे निछावर जब सामने उनकी जाली हो रूम पे निछावर हो जाए रूम पे निछावर हो जाए मर मर के जिए जी
जी के मरे कदमों में बसर दिन रात करे, कदमों में बसर दिन रात करे। सरकार तलब से पहले ही दामान तलब भर देते हैं। सरकार तलब से पहले ही दामान तलब भर देते हैं, दामान तलब भर ये भी नहीं, उनको तो गवारा ये भी नहीं। हम उनसे बयां हालात करें, उनको तो गवारा ये से बयां हालात करें। तौसीफ़े नबी में खो जाए हम ऐसे बसर दिन रात करें, कुछ उनकी अता का जिक्र करें, कुछ उनके करम की बात करें, कुछ उनके करम की बात करें। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। अच्छी आदात को हुस्न इखलाक कहा जाता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर नफ्स में मौजूद अकली और शरी तौर पर आपके अफाल आपसे अच्छी आदात करवाते हैं तो इसको हुस्न इखलाक कहते हैं। बढ़ते हैं अपने पैनल की तरफ और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी हाँ, हमारे पैनल में मौजूद हैं मुफ्ती एहसानुल हक हज़ारवी साहब, हमारे नए मेहमान कारी ज़ियाउर रहमान साहब, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं राज़िया नवीद साहब, मैम राज़िया नवीद, इसके अलावा हमारे स्कॉलर मत्ती रहमान सर। सबसे पहले तो मैं दो हजरात जो हमारे साथ इस खूबसूरत गुलदस्ते में शामिल हुए इनका शुक्रिया अदा करूंगा। जनाब डॉक्टर कारी ज़ियाउर रहमान साहब, डॉक्टर साहब का तारुफ बहुत वसी है लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब फैसल मस्जिद इस्लामिक सेंटर के इंचार्ज हैं और इसके अलावा खतीब व इमाम फैसल मस्जिद, और हमारे साथ भी ये जो ग्रुप है और लाइफ इनके साथ भी पुराना सिलसिला डॉक्टर साहब का चल रहा है। डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए, और मैम मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स पर आप मैम को देख रहे हैं, मैम भी एक अपने मुनफरिद अंदाज में और अपने एक ख़ास मखसूस अंदाज में ग्रिप रखती हैं टॉपिक्स के ऊपर, और आज हम उनसे भी इस्तफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों हजरात को बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। जी, मेरा पहला सवाल है मुफ्ती साहब से कि हुस्न अखलाक की हमें क्या तालीमात मिली हैं कुरान मजीद की रोशनी में, और इसके अलावा कहा जाता है जैसे कि मुख्तलिफ सूरतों में हुस्न अखलाक देखा जाता है, कहीं पर सुन्नत है, कहीं पर वाजिब है, कहीं पर मुस्तहब है, तो ऐसे में आप हम अपनी ज़िंदगी में कैसे हुस्न अखलाक को जो है शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस्लाम के बुनियादी तौर पर पांच शोबे हैं, अकायद, इबादात,
اخلاق، معاملات اور معاشرت۔ تو گویا کہ اگر اسلام کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ وہ اخلاق کا ہے۔ حسن اخلاق کا معنی ہے اخلاقی عمدگی۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق کہتے ہیں عادت کو، فطرت کو، رویے کو۔ حسن اخلاق کا مفہوم اور معنی یہ بنتا ہے کہ اپنے رویوں کو درست کرنا، اور در حقیقت یہ ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے، باطنی جذبات ہوتے ہیں، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو دل کے جذبات اور کیفیت اگر درست ہوگی تو اس سے صادر ہونے والے اقوال اور افعال بھی صحیح سمت پر گامزن ہوں گے، اور اگر باطن کی کیفیت صحیح نہیں ہوگی تو اس سے پیدا ہونے والے جذبات، ان کا رخ صحیح نہیں ہوگا، صادر ہونے والے اقوال اور افعال وہ بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اگر ہم اس فہرست کو شمار کرنا چاہیں تو فہرست بہت ہی لمبی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی انٹرو میں اس کے بارے میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر اچھائی کو اپنانا اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ ہے بسط الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی۔ چہرے کی بشاطت، کشادگی، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اور بھلائی کا معاملہ کرنا دوسروں کے ساتھ، اور ایذاؤں اور تکالیف سے دوسروں کو بچانا، یہ اس کا ایک خلاصہ اور حاصل نکلتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم اخلاق نصیب فرمائے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن ہیں، آپ تو قرآن کا عملی نمونہ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اسوہ میں یہ چیز ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں تھوڑا سا اس کی مزید وضاحت یہ کر دوں کہ چونکہ یہ معنی ہم صرف اس کو لفظ کو پڑھ لیتے ہیں، ادا کر لیتے ہیں، مطالبہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کو عام طور پر صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، اور عام طور پر معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس دوسرے کے ساتھ ہنس کر پیش آ جانا، خندہ پیشانی سے پیش آ جانا، یہی کافی ہے۔ بالکل۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اصل میں اچھے جذبات کا اظہار جو ہے اس کا نام اخلاق ہے، اور جذبات وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اب وہ جذبات جو ہیں وہ کبھی اعتدال کے ہاتھ سے اوپر چلے جاتے ہیں، جس کو افراد کا درجہ کہا جاتا ہے، کبھی وہ اعتدال سے نیچے آ جاتے ہیں، اس کو تفریق کا درجہ کہا جاتا ہے۔ تو ان اپنے جذبات کو اعتدال میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، یہ اصل شرعاً مطلوب ہے۔ مثال کے طور پہ غصہ ہے، تو غصہ ایک صفت ہے جو ہر انسان کے اندر فطرتاً پائی جاتی ہے، لیکن یہ غصہ جب حد سے بڑھ جائے تو یہ مذموم ہے، برا ہے۔ حضرت میں آپ کی طرف ہی آؤں گا یہ سوال لے کے، غصے کو کیسے قابو کرنا ہے اور اس کے لیے کیا موجود ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جناب مفتی صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمیں کسی مفتی سے، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو ہے ہمارے اندر خود مفتی ایک ضمیر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو بتاتا ہے، اگر آپ ہمسائے کی 2 انچ دیوار جو ہے وہ بھی مارنے لگیں تو اس جگہ پہ بھی آپ کی ضمیر ملامت کرتا ہے۔ تو ضمیر کا اور حسن اخلاق کا تعلق ذرا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج اس خوبصورت پروگرام میں شرکت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے رمضان المبارک کے اس خوبصورت موقع پہ، کہ جب مسلمانوں کی تربیت اور مسلمانوں کی عملی زندگی کے سنورنے کے یہ مواقع ہیں، تو ان میں اس چینل پر اتنا خوبصورت پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، تو اس میں شرکت میرے لیے سعادت ہے۔ ہمارے محترم مفتی احسان الحق صاحب نے بڑی خوبصورت حسن اخلاق کے حوالے سے بات کی ہے، تو آپ نے جس طریقے سے یہ فرمایا کہ جو ضمیر اور اخلاق، تو دراصل اخلاق کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے، اور اخلاق ایک پریکٹیکل چیز ہے، محض ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے علم میں آ جائیں اور ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو تو وہ اخلاق ہے اور علم کی حد تک اس کا تعلق ہے، بلکہ یہ جب انسان کی عملی زندگی کا حصہ بنتا ہے تو اس صورت میں اس کو اخلاق کہا جاتا ہے، اور وہی انسان کا ضمیر بھی ہے۔ خود انسان اپنے ضمیر کو جتنا وہ سنوار سکتا ہے، جتنا خوبصورت کر سکتا ہے، تو وہ اخلاق کے ذریعے اس کا ذریعہ اخلاق ہے،
जो कि हमारे दीन ने हमें सिखाया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाते ग्रामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस हवाले से फरमाते हैं कि बुइस्तु लियुतम्मिमा मकारिकम अल-अख़लाक़, कि मुझे अल्लाह जल्ला शानहू ने अखलाक की तकमील के लिए, अखलाक मुकम्मल करने के लिए, लोगों के को अखलाक सिखाने के लिए और उनके अखलाक संवारने के लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने मुझे मबूस किया है। तो जब किसी शख्स का जो कुछ उसने अखलाक के मुतालिक सीखा है जब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है तो फिर उस जो कुछ भी उसके अंदर से ज़ाहिर होता है वो उसका ज़मीर है। तो ज़मीर बज़ाहिर तो छुपी हुई और खुफिया चीज़ है, लेकिन उसका इजहार उसके अखलाक के ज़रिए से होता है। जब वो दूसरों के साथ पेश आता है, जब दूसरों के साथ मुआमलात करता है, जब उस पर कोई इस तरह के मसाइल और इस तरह के मुआमलात जब उसे दरपेश होते हैं तो उसमें उसके अंदर की जो कैफियत होती है, जो कि ज़ाहिर उसकी वजूद पर ज़ाहिर होती है, तो वो उसका अखलाक है। तो अब ज़मीर उसका महज उसको मलामत कर रहा हो, लेकिन उसके मलामत करने के बावजूद अगर उसका ज़ाहिर वो उसके ख़िलाफ़ है तो ज़ाहिर उसने अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ किया है, तो वो उसने अखलाक को छोड़ दिया है, अखलाक को अपनाया नहीं है। यानी जो कुछ उसका ज़मीर है उसके मुताबिक अपने अमल का इजहार करना ये अखलाक है। और गोया इस एतबार से अखलाक में दोनों चीज़ें शामिल हैं, एक तो इलम और साथ अमल। और ज़मीर वो चीज़ है जो अमल पर उभारता है, लेकिन अगर इंसान उसको अपनाता नहीं है तो ज़ाहिर वो मलामत करता रहता है, लेकिन वो उस सूरत में जबकि उसकी तरबियत उस नहज पर हुई है, उसके मुताबिक हुई है। बहुत शुक्रिया हज़रत, जज़ाकल्लाह। मैम, ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, कहा जाता है कि सुबह उठ के तमाम अज़ा हाथ जोड़ते हैं ज़ुबान के सामने के, और सबसे ज़्यादा यह भी कहा जाता है कि गुनाह जो सरजर्द होते हैं वो ज़ुबान से होते हैं, तो गुफ्तगू में कितनी शाइस्तगी होनी चाहिए, हुस्ने अखलाक का गुफ्तगू में हुस्ने कलाम किस तरीके से झलकना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया नजम भाई आपका। आप देखिए कि किसी भी शख्सियत का आयनेदार जो है वो उसकी गुफ्तगू हुआ करती है। बेशक एक शख्सियत जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, अगर वो खामोश है तो आप उसको जज नहीं कर सकते कि उसकी गुफ्तगू क्या होगी और उसके अंदर बेसिकली क्या होगा। जब वो गुफ्तगू करता है तो वो अपना आप जाहिर करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया था कि अगर तुम मुझे कुछ चीज़ों की ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। उनमें से एक जो ज़मानत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी वो ज़ुबान की थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर यह भी फरमाया कि कई लोग ऐसे होंगे बरोज़े क़यामत के वो अपनी ज़ुबान की वजह से जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे। तो लिहाजा दीन इस्लाम तो वो खूबसूरत और वो प्यारा दीन है कि जो ये कहता है कि मुसलमान है ही वो, मोमिन है ही वो, जिसके हाथ से भी और जिसकी ज़ुबान से भी दूसरे लोग जो है वो उनको फ़ायदा मिले, नुकसान ना मिले, वो किसी को ज़रर ना पहुँचे, ना आपकी ज़ुबान से, ना आपके, हाथ से, ना किसी अमल से। ये इतनी बड़ी नजम भाई बात है कि अगर इसको ही हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारी ज़िंदगी के 90-95% प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़ुबान की बुनियाद पर ख़ता खाते हैं, हम अपनी ज़ुबान की बुनियाद पर लोगों की दिल आज़ारी का बायस बनते हैं, हम अपनी ज़ुबान की बुनियाद पर जो है वो अपने लिए समझे जहन्नुम में एक अपने लिए गड़ा भी खोद रहे हैं और उसका अहतमाम भी बड़े अहसन तरीके से करते हैं। हालांकि इस चीज़ को नॉर्मली इतना अहम नहीं समझा जाता, हम कहते हैं ठीक है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो कहेंगे कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम दिल में कोई बात नहीं रखते, हम तो मुंह से बात हम मुंह पे कह देते हैं, लेकिन उस मुंह पर कहने के बारे में हम ये नहीं सोचते कि वो अगले के दिल पर किस तरह से तीर बन के लगेगा और उसको ज़ख्मी कर देगा वो। तो आपने तो अपना फरीज़ा अदा कर दिया मुंह से बात निकाल कर, लेकिन उसके पीछे जो हिकमत पोशीदा थी वो आपने छोड़ दी। हिकमत क्या थी कि ठीक है, दुनिया में बेहतरीन दोस्त किसको कहा जाता है? वो जो लोगों के सामने आपकी तारीफ़ करे, लेकिन जब आप तन्हाई में हो तो आपको बताए आपके अंदर खामी क्या है। बिल्कुल, बेहतरीन दोस्त की पहचान ये बताई गई कि जो
लोगों के सामने तुम्हारी तारीफ़ करे, लेकिन जब तन्हा हो तो फिर तुम्हें बताए कि हाँ तुम्हारे अंदर ये खामी है, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर भी बेसिकली ज़ुबान की अहमियत बयान की जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि भरे मजमे में हर एक को आईना दिखाना ज़रूरी है। किसी ने बड़ा खूब कहा कि बेहतर ये है कि आप रोज़ाना जो आईना देखते हैं और आईना देख कर अपनी शक्ल देखते हैं, अपनी जो है अपनी जो आपकी सूरत है उसको देखते हैं, बेहतर है कि कभी उस आईने के सामने खड़े होकर देख लें कि जो आपके अंदर की खूबसूरती है, यानी जो आपका अखलाक है, जो आपका किरदार है, जो आपकी सीरत है, वो किस कदर खूबसूरत है। अगर उसका आप जायज़ा लेने लग जाएं तो यकीन माने अगर आप बज़ाहिर खूबसूरत नहीं भी हैं ना, आप लोगों के दिलों में घर कर जाएंगे, आप लोगों के दिलों में बस जाएंगे और लोगों को भी साइड पे छोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आप महबूब हो जाएंगे। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फरमाया, आप फरमाते हैं कि वो शख्स बेहतरीन है, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो बेहतरीन अखलाक का मालिक है। और यहाँ तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अखलाक के जो मालिक लोग हैं उनको ये खुशखबरी सुनाई, ये पैगाम दिया कि बरोज़े क़यामत जो शख्स अच्छे अखलाक का मालिक होगा, मेरी इस सुन्नत को बुनियादी तौर पर ज़िंदा करेगा, अच्छे अखलाक वाली सुन्नत को, फरमाया वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ होगा। तो आप देखें इससे बढ़कर इनाम एक मुसलमान के लिए और क्या हो सकता है कि बरोज़ क़यामत हुज़ूर की कुर्बत नसीब हो जाए। बिल्कुल, अब हम बढ़ेंगे मती सर की तरफ, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए माह करीम इफ्तार ट्रांसमिशन। माह करीम इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद, मैं हूँ अरीश मोहिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं नजम साकिब। हम बढ़ते हैं अपने सवालात का सिलसिला वापस वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पर रुका था। मती से जैसे कहा जाता है कि माफ़ करना भी हुस्ने अखलाक में शामिल है, अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है और अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को अजर देता है उनकी माफ़ करने का, उनकी जो किसी को आप फॉरगिव करते हो उस चीज़ का। तो अब मेरा सवाल ये है कि आज कल के फितने के दौर में इंसान के अंदर वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, इंसान की ईगो जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसमें हमें कैसा रवैया अपनाना चाहिए, कैसे हुस्ने अखलाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, और इसके साथ साथ कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सीखते हैं, उनका हुस्ने अखलाक कैसा था। शुक्रिया अरीज, सबसे पहले तो शेर समात फरमा लें सवाल जी से। जी जी इंशाल्लाह। कमली वाले तो तलब से भी सवा देते हैं, कमली वाले तो तलब से भी सवा देते हैं, यानी कोई एक खजूर मांगे तो पूरा बाग दे बाग हदिया कर देते, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। कमली वाले तो तलब से भी सवा देते हैं, आए मंगता तो वो सुल्तान बना देते हैं। और ये कोई अबू ज़र से पूछे रज़ी अल्लाहु तआला, बेज़र थे अबू ज़र बना दिया। कमली वाले तो तलब से भी सवा देते हैं, आए मंगता तो वो सुल्तान बना देते हैं, खुल्क ऐसा तो किसी और ने पाया ही नहीं, खुल्क ऐसा तो किसी और ने पाया ही नहीं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ये हैं मेरे नबी के अखलाक। और मैं आपको एक हसीन से वाक्य की तरफ लेके जाता हूँ। ये वाक्य अगर हमारे व्यूअर्स को समझ आ गया तो हमें ये समझ आ जाएगा कि अखलाक क्या चीज़ है। शहर मक्का से बाहर एक बुढ़िया अपना सामान उठाए हुए सरहद से बाहर निकल रही है, बल्कि हद से बाहर निकल रही है। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नज़र रहमत पड़ी, आप पास चले गए। नज़म भाई अब देखिएगा वाक्य, जी जी, पास चले गए और फरमाने लगे, अम्मा अपना सामान मुझे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाता हूँ। बुढ़िया ने गनीमत समझा, सामान सामाने रहमत को पकड़ा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सामान सामाने रहमत को पकड़ा दिया, रहमतुल्लिल आलमीन जो हुए, बेशक सामान सामाने रहमत को पकड़ाया। दोनों चल पड़े, रास्ते में गुफ्तगु हो रही है। कमली वाले पूछते हैं, अम्मा शहर क्यों छोड़ के जा रही हो? तो कहने लगी, क्या बताऊँ बेटा तुझे, मक्के में एक जादूगर आ गया है जो बड़ी अजीब बातें करता है, एक खुदा की तरफ बुलाता है,
मेरे लात मनात उज्जा की जो है वो बेखनी करता है, तो मैं उसकी बातों से तंग आके ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। अब देखे मेरे नबी का इखलाक, अब खामोश हो गए। अब बुढ़िया बोलती जा रही है, खुदा के बारे में बातें करती जा रही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा साथ चलते जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जा रहे हैं तो एक मुकाम आया, बुढ़िया कहने लगी, बस बेटा अब इससे आगे मैं चली जाऊंगी, आप वापस चले जाए। और हाँ, तुझे एक नसीहत करूं? कमली वाले फरमाने लगे, जी माँ कीजिए। कहने लगी, बेटा तुझे नसीहत करती हूँ कि कभी उस जादूगर की बातों में ना आना, बड़ी दिल नशीन बातें करता है तो लगता है जैसे कुछ चीज़ नाजिल हो रही है उस पर, इतनी खूबसूरत बातें करता है। तो मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि कभी उसकी बातों में ना आना। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के लिए पलटे, और हाँ बेटा नाम उसका मोहम्मद है। कमली वाले वापस पलट रहे हैं तो बुढ़िया कहने लगी, बात सुनो, मैंने मक्के में तुम्हारे जैसा बाइखलाक आदमी नहीं देखा। तुम मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन मेरा सामान भी उठाया, मुझे मेरी मंजिल तक भी पहुंचाया, कुर्बान जाऊं। सो मैं तूने मुझे अपना नाम नहीं बताया। तो कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे, निगाह नबूवत बुढ़िया के चेहरे पर रखी और आँखों को झुका के कहा, अम्मा तो जिस जादूगर से बच के जा रही है, मैं मक्के का वही जादूगर मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुढ़िया कदमों से लिपट गई, कहने लगी, अगर तू मोहम्मद है तो फिर मुझे जो बताया गया था वो गलत था, मैंने मक्के में तेरे जैसा बाइखलाक इंसान मैंने नहीं देखा। ये हमारे नबी का इखलाक था। क्या ये, अच्छा आगे चलिए। जंगे उहद के मौका पे नजम भाई, जी जी, डॉक्टर साहब चूंकि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मैम राजिया और मुफ्ती साहब किबला हमारे लीडिंग उसमें हैं, तो मैं सबकी तायद भी चाहूँगा। जंगे उहद में, अब ये देखिए आपने जो फरमाया कि गुस्सा, जो मुफ्ती साहब किबला ने अपने पहली गुफ्तगू में फरमाया कि गुस्से पे कंट्रोल करना, आपने भी इंट्रो में उस पर बात की। उतबा बिन अबी वक्कास, इसने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे उहद में पत्थर मारा, इस कदर जोर से उसने पत्थर मारा कि आपके यहाँ पे पत्थर लगा और आपके दांत भी शहीद हुए और आप यूं ऐसे पीछे गिर गए, और पीछे खाई थी, आपकी ये जगह उस खाई पे लगी और आप बेहोश हो गए। साहबा समझे अल्लाह के रसूल शहीद हो गए, साहबा ने रोना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के रसूल थोड़ी देर बाद होश में आए तो साहबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल अब तो इनके लिए बददुआ कर दें, अब तो इनके लिए बददुआ कर दें। और मेरे नबी ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। मेरे मौला इस कौम को माफ़ कर दे कि ये मुझे जानते नहीं हैं। ये मेरे नबी का इखलाक है कि जान के सामने कुफार हैं, मुशरिकीन हैं, जान के दुश्मन हैं, और उनके लिए हदायत की दुआ कर रहे हैं। तो ये हमारे नबी के इखलाक हैं। तो मौजूदा मुआशरे को ये समझना होगा, हमें वापस पलटना होगा, हमें सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सीरत को पढ़ना होगा, हमें अहले बैत अतहार की तरफ मूव करना होगा, हमें उन रोशन नूरानी रूहानी शख्सियात की तरफ मूव करना पड़ेगा अगर हम अपने मुआशरों से ये फितने, ये बद इखलाकी। और मैं किबला, अगर नजम भाई मुझे इजाज़त दें तो मैं किबला डॉक्टर साहब से ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये जो बज़ाहिर हमारी प्रेजेंटेशन होती है इखलाक की, कि हम बज़ाहिर बड़े बाइखलाक होकर गुफ्तगू करते हैं, तो क्या इसका मतलब दीन, इसका कोई अजर नहीं मिलेगा? अगर हमारी इंटेंशंस जो हैं वो हमारे अंदर कुछ और चल रहा है और बज़ाहिर हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो यह है कि हम बड़े बाइखलाक होकर मिलते हैं, तो इस पर मुझे काइंडली थोड़ा सा हमारी व्यूअर्स को इन्फॉर्म कीजिएगा। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया ना जी, कि ये इसका ताल्लुक तरबियत के साथ है, सही, और तरबियत जो है वो बातिन पर अपना असर रखती है और फिर उसी से वो ज़ाहिर होती है। अगर मुनाफ़िकाना अंदाज इख्तियार किया जाए, चेहरे पे कुछ है लेकिन सीने में बुग्ज़ भरा हुआ है, तो ज़ाहिर है उसकी तो कोई अल्लाह ताला के यहाँ कदर कीमत नहीं है। सही, नहीं दिल में बुग्ज़ है, नफ़रत है, और ज़ाहिरन कोई अपना जो है वो बड़ा खंदा पेशानी और अखलाक से पेश आता है, तो ये गोया के एक मुनाफ़िकाना रवैया है। और इस्लाम तो इखलास सिखाता है और बिल्कुल ज़ाहिर और बातिन का एक होना सिखाता है,
फ़र्द जिस तरह का ज़ाहिर है उसी तरह का अंदर भी होना चाहिए, और जिस तरह का अंदर से है उसी तरह का ज़ाहिर भी होना चाहिए। और यही इम्तियाज़ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बुढ़िया का वाक़या पेश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर बातिन से कोई जो है वो गुस्से से भर रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यही असल बड़ी चीज़ यही है कि मुसलमान, अब हमें जो तालीम दी गई है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। अब अस्सलामु अलैकुम ये हमारे यहाँ तो अब इस अस्सलामु अलैकुम को छोड़ के हमने नई नई इस्तिलाहात निकाल ली हैं। ज़ाहिर है ये हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो, ये एक मरूबियत है इस वक्त दूसरी अकवाम से, दूसरे मुआशरों से। जबकि अगर हम इसकी अहमियत को समझें तो ये अस्सलामु अलैकुम जब हम कहते हैं तो ये हमारे अंदर से जब तक दूसरे के लिए सलामती का वो जज्बा नहीं है तो महज अपनी ज़ुबान से ये कलिमात कह देना ये मुनाफ़त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, मोहतरम मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, या तुम मोमिन नहीं हो सकते उस वक्त तक कि जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करने लगो। तो फिर फरमाया कि अवला उदुल्लुकुम इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा बताऊँ, वो चीज़ बताऊँ कि जब तुम उसको इख्तियार करो तो तुम आपस में मोहब्बत करने लगो। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर फरमाइए। फरमाया अफशुस सलाम बैनकुम, कि तुम आपस में इस्लाम को रवाज दो, इस्लाम को तुम रवाज दो। हाँ, अगर किसी मौका पर किसी शख्स को दूसरे से कोई ठेस और तकलीफ़ पहुँची है, उसके दिल में गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से का वो इजहार नहीं करता, अच्छे तरीके से पेश आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर दिल में वो बुग्ज़ पालता रहे, अपनी इस्लाह करनी उस अंदर से बातिन से ये साथ साथ ये ज़रूरी है। तो यह है कि किसी मौका पर अगर अपनी खुश अखलाकी का वो इजहार कर रहा है, अंदर उसके कोई बुग्ज़ भरा हुआ है, तो ये ज़ाहिर है ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो समझता है कि नहीं, मेरी इस मौका पर खुश अखलाकी से मेरा बातिन भी पाक होगा और यहाँ माहौल भी साजगार होगा और हमारे हालात आपस में बेहतर होंगे, तो उस मौका पर उससे आगाज़ वो इससे करेगा, ठीक है, लेकिन उसका जज्बा ये होगा कि मैंने अपने बातिन को इसके मुताबिक बनाना है। तो ये असल इस्लाम है, ये असल इस्लाम है। और अगर जो है वो ज़ाहिर कुछ है बातिन कुछ है, तो शरीयत में इसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं है। जी, हमारे नबी ने मतलब किसी ने पूछा, आपने फरमाया कि सहाबा सबसे बड़ा अमल कौन सा है, जो डॉक्टर साहब किबला ने बात की, सबसे बड़ा अमल कौन सा है, तो साहब ने या रसूलल्लाह नमाज, फरमाया नहीं। फिर पूछा या रसूलल्लाह रोज़ा, फरमाया नहीं। या रसूलल्लाह ज़कात देना, फरमाया नहीं। हज करना, फरमाया नहीं। तो अल्लाह के रसूल आप बता दें सबसे बड़ा अमल क्या है, आपने फरमाया मोहब्बत कर। वाह, इस पे थोड़ा सा अगर आप मोहब्बत करना, और इसके साथ ही जो मेरा पहले सवाल था, ज़रा आज की दुनिया को भी देखते हैं हम लोग, तो हर कोई गुस्से का शिकार है, छोटी से छोटी बात पर अदम बर्दाश्त आ जाता है, तो ज़रा गुस्से के लिए भी मेरे ख्याल में गुस्सा ना हो तो मोहब्बत ही हो जाएगी। जब गुस्सा ज़्यादा होगा तो फिर मोहब्बत ही नहीं होगी। तो बात वही है कि अपने बातिन की कैफियत को दुरुस्त करना चाहिए, यानी अपने बातिन, मतलब आपकी जाहिर पे हमें कोई नेकी नहीं मिलेगी। नहीं, जाहिर पे भी देखें, जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बात फरमाई कि मतलूब मकसूद हमारा तो यही है कि जाहिर और बातिन दोनों हमारे रास्ता हो जाएं, एक हों, और अंदर के एहसासात भी अच्छे हों, और बाहर जो है उसके तासुरात और उसका जो नतीजा है वो भी झलकना चाहिए। बिल्कुल, और मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि ये भी हरगिज़ नहीं है, अगर आपके अंदर की इसलाह नहीं हुई तो आप बाहर से भी वही गंदगी का इजहार करें, ये भी नहीं है। ज़ाहरी तौर पर भी आप दूसरे अच्छे अखलाक से पेश अगर आते हैं, आप ज़ाहरी तौर पर खंदा पेशानी से पेश आ जाते हैं, तो ये भी एक अदना दर्जा है अखलाक का, बिल्कुल ये भी मजमूम चीज़ नहीं है, लेकिन उमदगी के साथ। लेकिन इसके बरअक्स है, यानी अंदर जो है आपके अगर अच्छा ही है और बाहर इजहार बुराई का है, तो वो बहरहाल मजमूम है, वो तो मुनाफ़क़त में भी आ जाए, वो मुनाफ़क़त भी कह सकते हैं उसको, बहरहाल वो एक गलत अमल है। जी बिल्कुल, तो इसलिए मोहब्बत होना चाहिए, और इस्लाम की तालीम है, और मोहब्बत के जो असबाब हैं वो भी इख्तियार करना चाहिए। चुनाचे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम भी दी है, तहादु तहाबु, कि एक दूसरे को हदिया तोहफा दिया करो, लिया दिया करो, तहादु, यहाँ अरबी जो समझते हैं तशारुक है, शिरकत है, कि दोनों तरफ से ये सिलसिला चलना चाहिए। हाँ,
शेर याद आ गया, वैसे तो फील्ड आपकी है। बिस्मिल्लाह। कहते हैं चाहत का मजा तो तब है कि वो भी हो बरकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। तो बहरहाल असल मोहब्बत यही होती है कि दोनों तरफ से हो, और मोहब्बत पैदा होने का ज़रिया जो है वो हदाया का तबादला है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सीरत से हमें ये चीज़ मिलती है। एक साहबी थे देहाती, वो आपसे वसलम के पास जब मिलने आते तो देहात के तोहफे लाते, और आपसे वसलम शहर से उनको तोहफों का जो है वो बदला नसीब फरमाते। तो बहरहाल ये मोहब्बत कायम होने का एक बेहतरीन ज़रिया है कि अपने रिश्तेदारों से, ताल्लुक़ वालों से कभी कभी जो जिसकी ताकत है अपनी ताकत वसत के मुताबिक हदाया का तबादला होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा कुलिया दिया, जो लोग नहीं अपनाते, इसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन ये एक छोटे छोटे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें देने से भी जी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने बहुत खूबसूरत बात की, दिल में इज्जत और एहतराम अगले के लिए पैदा होता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा कोई तोहफा दें। बिल्कुल, यहाँ तक दूसरे जो उसका ताल्लुक है जो आपने बात, हजरत अगर मैं वापस आता हूँ और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि ब्रेक का वक्त है। और जी यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए माहे करीम इफ्तार ट्रांसमिशन। करीम इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ अरीश महीउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं नजम साकिब। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़िता हुआ था। जी मुफ्ती साहब, गुस्से के हवाले से। जी आप गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रहा। पहले तो ये भी है ना। तो बहरहाल गुस्सा के हवाले से यह मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये एक बातनी कैफियत है जो हर इंसान के अंदर पाई जाती है, और हर गुस्सा मजमूम भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता। देखिए, अगर इंसान के अंदर गुस्सा की कैफियत नहीं होगी तो वो अपना दिफा नहीं कर सकता, अपने बीवी बच्चों का दिफा नहीं कर सकता, वो जिहाद नहीं कर सकता। इसलिए हर गुस्सा मज़मूम नहीं है, लेकिन अगर गुस्सा बिल्कुल ही नहीं होगा तो ये भी बुरा है। बिल्कुल। तो असल ये है कि शरीयत में और अखलाक की जो तरबियत है वो ये है कि गुस्सा हमारा एतदाल पे होना चाहिए। जब गुस्सा एतदाल पे होगा, हद से ज़्यादा ना हो कि जुल्म की हद तक चले जाएं, अफरात व तफरीत का शिकार ना हो। ऐसे ही मिसाल के तौर पे इज़्ज़त नफ्स है, तो इज़्ज़त नफ्स ये मज़मूम नहीं है, लेकिन यही इज़्ज़त नफ्स अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो तकब्बुर और गुरूर के दर्जे में चला जाए तो फिर मज़मूम है। तो असल शरीयत हमसे यही तकाजा करती है कि हम अपने आप को एतदाल पर रखें। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि असल में अखलाक वो है क्या, वो हमारे बातिन की कैफियत है, दिल की कैफियत है, और इस दिल की कैफियत को एतदाल पे रखना ये शरण मतलूब है, ये हुस्न अखलाक है। और अगर इजाज़त हो तो एक बात और भी कह दूँ कि ये हुस्न अखलाक का तरीक़ा भी कुरान ने हमें सिखाया, कूनू मा सादिकीन, कि जो सच्चे उनके साथ रहो, उनकी तरबियत में रहो, अहलुल्लाह की तरबियत में रहने से जो है ये अखलाक की तरबियत होती है और दुरुस्ती। बहुत खूबसूरत बात। मैम, माहौल होगा तो उसके मुताबिक तरबियत होगी। बिल्कुल, मैं उसी की तरफ बढ़ने लगा हूँ। हजरत ने तरबियत का जिक्र किया अपनी पहली बात में भी, दूसरी बात में भी, मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया। आजकल का माहौल घर का ये है कि हिरसे दुनिया की खातिर हम बैठ के जब बात करेंगे तो हमारे बच्चे के जहन में एक एहसास कमतरी आती है और वो सोचता है कि हमने आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ना अखलाकी एतबार से नहीं है, दुनियावी एतबार से आगे बढ़ना है, दीनी एतबार से नहीं, दुनियावी एतबार से। फिर हमारे घर में एक रवैया है कि एक दूसरे की बुराई करना, और बच्चे सुन रहे होते हैं और बच्चे भी फिर उसी तरफ चले जाते हैं। ज़रा इस पर। बिल्कुल नजम भाई, मैं पहले एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पेश करूँगी, फिर मैं इस सवाल की तरफ भी आती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया कि अगर हो सके तो ऐसी ज़िंदगी बसर करो कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए मैल ना हो, और फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करेगा वो मुझे ज़िंदा करेगा, और वो कयामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। तो यहाँ पर देखें कि मैल लाना भी, यानी कहाँ ये कि हम किसी के बारे में बुरा भला उसको कहें, या उसके पीठ पीछे बुराई हम उसकी बयान करें, या उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हो सके तो अपने दिल में किसी के लिए मैल भी ना लाओ, और अपनी रात को सोने से पहले पूरे दिन का जायज़ा लेना चाहिए हमें, पूरे दिन का जायज़ा कि हमने अमूमन यही चीज़ नजम देखते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हम इस हवाले से सोचते ही नहीं हैं कि हम कोई फरिश्ते तो नहीं हैं, हमसे भी तो किसी के साथ ज्यादती हो सकती है ना। तो हम इस बात का जायज़ा लें कि आज पूरे दिन के अंदर मेरे मामलात क्या थे, और मेरी ज़ात से किस किस को नुकसान पहुंचा, किस किस के साथ बुरा हुआ, और फिर उस पर ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी तलब करें
बल्कि उस शख्स से भी जिसको हमने बुरा कहा, जिसके साथ बुरा किया, उससे भी माफ़ी तलब करें ताकि मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पर आप ये देखें, जहाँ पर तरबियत की बात आती है, जहाँ पर हिदायत की बात आती है, यकीनन एक माँ और एक बाप का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, दुनिया में इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह की सोसाइटी में, मुआशरे में हम रह रहे हैं, वालिदैन के लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी, अपने बच्चों का एक जो लाइफस्टाइल है उसको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बाप भी कमाने निकल जाता है, माँ भी कमाने निकल जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने हर हाल में अपने बच्चों को मैनेज करना है, उन्हें लेकर चलना है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि कहा गया कि अगर रिस्क में मांगते हो तो बरकत मांगो, कुशादगी का ज़रूर अल्लाह की बारगाह में सवाल करें, लेकिन बरकत क्या है कि आपके पास थोड़ा भी हो लेकिन वो भी आपके लिए काफ़ी हो, शाफ़ी हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि बैंक बैलेंसेस भरने। जब हम इस दौड़ में लग जाते हैं ना कि मेरे पास आज अगर छोटा घर है तो बड़ा हो जाए, उसी दौड़ में लगे हुए हैं, आज छोटी गाड़ी है कल बड़ी हो जाए, उसी दौड़ में लगे हुए हैं, तो फिर क्या होता है कि हम उसी दौड़ में दौड़ते 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 ये बात भूल जाते हैं कि वो जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, औलाद अल्लाह की नेमत भी है और आजकल के हालात के मुताबिक मैं समझती हूँ आजमाइश भी है। इसलिए कि अगर आप उनकी बेहतर ग्रूमिंग नहीं करेंगे, अगर आप उनके लिए वक्त नहीं निकालेंगे, उनकी अखलाकी तरबियत नहीं करेंगे, तो ये आपकी वो इन्वेस्टमेंट है जो फिर आपको बुढ़ापे में चलकर बताती है कि आपने हमारे साथ बचपन में क्या, क्या किया था। इसलिए बेहतरीन माँ और बेहतरीन बाप वही है जो तमाम तर चीज़ों को मैनेज करने के साथ साथ अपने बच्चों को इस तरह से मैनेज करे कि कल जब उनको रिवार्ड मिले तो कोई माँ ये कहती हुई नज़र ना आए कि मेरा बच्चा तो मेरे पास बैठता ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनता, या कोई बाप ये कहता हुआ नज़र ना आए कि मेरा बेटा तो मेरी नहीं सुनता, बस बाहर दोस्तों में रहता है या आता है और जाता है, सलाम के अलावा हमारे दरमियान बात ही नहीं होती। उन लम्हों में हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, हमने बचपन में अपने बच्चों को जब वो छोटे थे तो हमने एज़ आ पेरेंट उनको कितना सुना था, उनको कितना वक्त दिया था, उनको कितनी तवज्जो दी थी, कितना प्यार दिया था, वो सारा रिटर्न इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको जो है वो फिर आपके जो बुढ़ापे के दिन हैं उसमें मिल रहा होता है। अब यहाँ पर आप देखें, नॉर्मली पहले मतीउर रहमान साहब ने भी इस हवाले से थोड़ी सी बात की कि बज़ाहिर अब हम यहाँ सब बैठे हैं ना, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हमारा अखलाक जो है वो ज़ाहिर होगा हमारी फैमिलीज़ में, हमारे घर के अंदर। अब देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन अखलाक उसका है जिसका अखलाक अपने अहले खाना के साथ अच्छा है, तुम में से सबसे बाखलाक वो है जिसका हुस्न सलूक, अगर मर्दों से गुफ्तगू फरमाई तो फरमाया जिसका हुस्न सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक उसकी बीवी के साथ है, और अगर औरत से गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो जो औरत अपने शोहर के साथ बेहतरीन हुस्न सलूक नहीं कर सकती वो पूरी दुनिया फतेह करके आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। और इसी तरह जो शोहर अपने ख़ानदान को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे शोहर के भी बारे में यह है कि उसका अखलाक अच्छा नहीं है, क्योंकि अखलाक बाहर से नहीं अंदर से जज होता है। और यहाँ पर एक छोटे सा जो हमारा एक माशरती अलमी और प्रॉब्लम है उस पर मैं ज़रूर आपकी तवज्जो और नाज़रीन की तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि देखिए, हमारे यहाँ इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की बहुत अहमियत है, दीन में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसे कोई इनकार नहीं है, मगर बहुत सारे घरानों में हमने ये देखा है कि हमारे मर्द हजरात जो होते हैं वो मसाजिद पे खर्च करते हैं, मदारिस पे खर्च करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च कर रहे होते हैं, घर में फाका होता है, घर में बीवी रो रही होती है मुझे पूरा खर्चा तो दो, बच्चे रो रहे होते हैं बाबा हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका शुरू ही घर से होता है, सदका शुरू ही अपनों से होता है, सबसे पहले खर्च करें अपने लोगों के ऊपर, अपने चाहने वालों के ऊपर जो आपके सबसे करीब हैं। हाँ, फिर भी अल्लाह ने अगर आपको इतना रिस्क दिया है, उसमें बरकत और कुशादगी दी है, तो फिर लोगों पर खर्च करें। लेकिन मेरा सवाल एक कि ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग होते हैं जैसे मर्द हजरात, वैसे तो आजकल वर्किंग वुमेन भी हैं लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर मर्द हजरात में, कि वो जब कारोबारी मामला देख रहे होते हैं या दफातर में, उनका एक अच्छा अखलाक होता है, वो हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, उनको पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन घर जाते साथ ही उनका रवैया बदल जाता है, वो गुस्सा करते हैं, वो बच्चों के साथ बदअखलाकी से बात करते हैं, बीवी के ऊपर रोब झाड़ते हैं, तो इस बारे में क्या करना चाहिए, उनका उसमें कैसे इत्तेदाल होना चाहिए? उसमें अरिज आप देखें कि वो तो जो बेसिक जिम्मेदारियां आ गईं आपकी ऑफिस के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से,
वो तो जाहिर सी बात है आपने पूरी करनी ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि जब कोई भी मर्द या कोई भी औरत इस तरह से घर में दाखिल होगी ना, तो सबसे पहला रिलेशनशिप उसका ख़राब होगा अपने वाइफ के साथ, और अगर औरत है तो उसका अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ उसका रिलेशनशिप ख़राब होगा। अगर घर के अंदर सुकून नहीं है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके काम पर असरअंदाज होगा। फिर आप बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि ऑफिसेज़ में, कारोबार में अगर अपना रवैया दुरुस्त भी रखना चाहें तो आप नहीं रख सकते। एक मकाम पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बदतरीन लोग हैं, या ये लोग जो हैं वो दोज़ख का ईंधन बनेंगे। सरकार, कौन से लोग दोज़ख का ईंधन बनेंगे? तो आपने फरमाया वो जो तुर्श रवि से बात करते हैं, जो सख्ती से बात करते हैं, वो जो गला फाड़ फाड़ कर बात करते हैं, और उस पर एक और चीज़ ये कि वो मुतकब्बिर भी होते हैं। तो आप देखें कि नरमी के साथ बात करना, नरमी इख्तियार करना, ये कितनी बड़ी दीन की इसके अंदर अहमियत है। इसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आपके अपने होते हैं, आपके अहले खाना हैं, आपके आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं। आपने स्टार्ट में अरीज वो एक इंट्रो देते हुए एक हदीस मुबारक पढ़ी थी ना कि जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उसके साथ जोड़ो, यानी सिला रहमी का पैगाम हमें इस हदीस मुबारक से मिल रहा है। जो तुम्हें महरूम करता है उसको दो, यानी जो तुम्हारा हक गसब कर रहा है तुम फिर भी उसको उसका हक दो। और फिर तीसरी बात इसी में जो है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो इतना दिल वसी कर लो कि दरगुजर करो। और मैं समझती हूँ इस वक्त हमारे ख़ानदानी मामलात हों, हमारे मुल्की मामलात हों, हमारे माशरती मामलात हों, अगर हम अल्लाह से दुआ भी करें और इस पर कोशिश भी करें और अपने अंदर दरगुजर की सिफत पैदा कर लें तो हमारा मुआशरा जन्नत नज़ीर बन सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा अंदाज़ मती भाई कलाम। मेरी ख्वाहिश है, और इसमें एक दो शेर मेरे अपने जाती भी हैं, समाप्त फरमाइएगा क्या। मेरी हयात में ऐसा मकाम आ जाए, मेरी हयात में ऐसा मकाम आ जाए। कैसा मुकाम अजम जी, मेरी हयात में ऐसा मकाम आ जाए, अंधेरे दिल में वो माहे तमाम आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अंधेरे दिल में वो माहे तमाम आ जाए, और अदब ये है कि जहां उनका नाम आ जाए वहीं जुबान पे दुरूद व सलाम आ जाए, वहीं जुबान पे दुरूद व सलाम आ जाए। और सारी दुनिया में हमारे सुनने वालों के लिए जी, के मदीना से ये खुदाया पयाम आ जाए,
मदीना से ये खुदा के हमारे पास हमारा गुलाम आ जाए, हमारे पास हमारा गुलाम आ जाए। और तलब जरा भी नहीं मुझको बादशाही की, नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए, नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए। और ये मेरा अपना शेर इसमें कलाम में देखिएगा, वो सुन रहे हो मेरी नात मुस्कुराते हुए, वो सुन रहे मुस्कुराते हुए, मेरी हयात में एक ऐसी शाम आ जाए, मेरी हयात में एक ऐसी शाम आ जाए, नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए। सलामत रहिए, खुश रहिए। बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत अंदाज। जी अरीज, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हुस्न अखलाक ये है कि आप अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना अखलाक को बदमिजाज ना होने दें। बेशक असल खूबसूरती आपके मिजाज की खूबसूरती है, आपका हुस्न अखलाक है। इंसान की ज़ाहरी खूबसूरती जो है उसकी कमी अगर हो तो वो हुस्न अखलाक पूरा कर सकता है, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो आपकी ज़ाहरी खूबसूरती भी किसी काम की नहीं है। बहुत ही खूबसूरत अरीज ने बात की है। और इस बात के बाद आज हमारा 16वें रमज़ान से ट्रांसमिशन जो है वो एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। और वो नया मरहला ये है कि आपको इस सेगमेंट से अब हम लोग लेंगे एक वक्फा। वक्फे के बाद जब हम लोग हाजिर होंगे तो अरीज हमारे साथ कौन मौजूद होंगे? किचन में हम लोग जाएंगे जहाँ पर शेफ हिना हमारे साथ मौजूद होंगी, क्योंकि दस्तरखान का अहतमाम बहुत ही उम्दा तरीके से होता है। दावतें होती हैं, सहरी होती है, इफ्तारी होती है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमारे पास होंगी न्यूट्रिशनिस्ट का सेगमेंट और उसके साथ एक्सरसाइज का सेगमेंट, और इसके अलावा नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, जमीन के फरिश्ते होंगे, उनसे हम बात करेंगे, देखेंगे किस तरीके से बच्चों का रोजा कैसे होता है। वो दिन में दो दो रोजे भी होते हैं ना, ठीक है, तो वो भी हम जानेंगे। और कुछ कहानियां जो हैं वो हम बच्चों को सुनाएंगे क़िससुल अंबिया से। और तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा, ट्रांसमिशन अभी जारी है, हमारे साथ रहिए।
में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं अरीश मोहिउद्दीन, मेरे साथ मौजूद हैं नजम साकिब और हमारी शेफ हिना तारिक। कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूं, बिल्कुल ठीक हूं। और आज फाइनली हमारे बाकी सेगमेंट्स का भी आगाज़ होने लगा है। पहला सेगमेंट हमारा उलमा के साथ था और उलमा हजरात इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके बाद अब हम लोग मौजूद हैं किचन के अंदर, क्योंकि दस्तरखान जिस तरीके से ब्रेक से पहले मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे रमज़ान का, और सहरी में भी दावतें होती हैं, इफ्तार में भी इफ्तार दावतें होती हैं। तो आज हम लोग पूछेंगे मैम से कि मैम क्या हम लोग बनाने लगे हैं और आज की पहली डिश जो है हमारी क्या होगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है नजम कि चूंकि अफ्तारी है तो फिर अफ्तारी में तो हर घर में फ्राइड आइटम्स चलते हैं, चटपटा भी चटपटे होते हैं खाने, बिल्कुल तीखे, तो मिर्चों वाले। हाँ, मिर्चें तो आप जितनी मर्जी डाल देना, मोहब्बत जितनी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं उसमें ऐड। तो उसके लिहाज से ही आज एक रेसिपी क्रिएट की है, और वो चीज़ें हैं जो घर पे होती हैं, हमेशा ही होती हैं। एक बेचारी सी मुर्गी होती है जो हमेशा घर पे मौजूद होती है, बेचारी सी होती है, और उसी के अंडे भी होते हैं घर पर मौजूद। मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ साथ साथ, ताकि हमारा जो है ना वो रेसिपी भी आप लोग, हाँ आप लोग जान जाए कि हम क्या बना रहे हैं। तो इसका नाम तो है जी कंट्री फ्राइड चिकन। बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे वेरिएशन से बनाया जाता है इसको, एज अ स्टेक भी बनाया जाता है, लेकिन मैं इसको आसान वर्जन में बना रही हूँ ताकि जो घर पे खवातीन और हजरा देख रहे हैं वो इसको फटाफट से बना सकें अपने अफ्तारी में और हमें दुआएं दे सकें बहुत सारी। तो अरीज आप मेरे साथ हेल्प कीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ये जो चिकन है ये मैंने हाफ बॉयल करके रखी हुई है, चूँकि ये मैंने हड्डी वाली ली हुई है इसलिए मैंने हाफ बॉयल की है। थोड़ा सा काम भी जल्दी हो जाता है, और ये होता है कि चिकन जो हड्डी वाला है उसको फ्राई करें तो हमें ये डर होता है कि अंदर से कुक हुआ है या नहीं हुआ, तो ये डर भी दोनों खत्म हो जाएंगे। आपने कुछ और भी मिलाया था फ्राई, मतलब जब नहीं, मैंने बॉयल करते हुए इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ इसको थोड़े से पानी में बॉयल किया, और इतना पानी आप ऐड करें इसके अंदर कि जो पानी है वो आपका जो जो यखनी सी है ना वो इसके अंदर ही रह जाए, और अगर वो ज़्यादा हो तो आप उसको फेंकिए नहीं, वो आपके किसी और खाने में इस्तेमाल हो सकती है। तो ये चिकन है, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है 2 अदद अंडे। अच्छा, रेसिपी आपने जब भी आप घर में जो लेडीज़ बनाती हैं खाना उनको पता होता है कि हमने कितनी उसमें चीज़ों को ऑन एंड ऑफ डालना है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 अंडे हैं, लेकिन मैं मेरे ख्याल से एक ही इसके लिए इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे प्याज, एक अंडा हम कल के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। प्याज भी है मेरे पास, लहसुन है कुछ छिले हुए पीसेज हैं, अदरक है मेरे पास, और हरी मिर्चें। अब रेसिपी बहुत आसान सी है, और अच्छा मैदा अब ये मैं करूँगी, और ये सॉसेस हैं। हाँ, ये तो अरे जो मैं ये मैं एक सॉस बनाऊंगी ड्रेसिंग, गार्निश में हम सिर्फ ये तिल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो 3-4 चीज़ें आपको नजर आ रही ये हम एक सॉस बनाएंगे डिप जो हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, और नमक लाल मिर्च आपको जितनी मोहब्बत दरकार है उसके लिहाज से हम ऐड कर लेंगे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है कि हम यहाँ से एक ये ग्राइंडर जग ले लेंगे, और इसके अंदर हम ये 1 अदद अनियन जो है इसको हम ऐड कर लेंगे। अरीश थोड़ी सी हेल्प अगर आप मुझे करवाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये प्याज हेल्प करवाने लगी हैं, ठीक है। तो अरीश इसी तरीके से घर पे भी हेल्प करवाती हैं? जी बिल्कुल। नहीं आप मुझे कुक वेरी वेल, ओके। नहीं आप मेरी गलत हेल्प करवा रही हैं, मैंने आपसे कहा ग्राइंडर ले। अच्छा, वैसे जी आप कितना प्याज काटे? इसको यूं गोल घुमाते हैं, यूं निकल आता है। आपके घर में भी ये सारे काम होते होंगे यकीनन, आपके भाई बाकी जो लोग घर में वो हेल्प करते ही होंगे। जी जी, समझ आ गई जी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जो खवातीन हजरात हैं उन्हीं को किचन में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ मर्द हजरात को भी जाना चाहिए, और माओं को चाहिए कि अपने बेटों को अपने साथ किचन में लेकर जाएं, और भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों की हेल्प करें, और खावन हजरात को चाहिए कि अपनी बीवियों की खिदमत करें। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, उम्मीद है कि सब करेंगे भी। अच्छा, चिकन चूंकि मेरे पास ये है जितने पीसेज हैं 8-9, तो मेरे पास ये लहसुन और अदरक 1 इंच का मैंने तकरीबन टुकड़ा डाला है। बहुत ज़्यादा आप मत अदरक ऐड कीजिएगा वरना बहुत ही ना टेस्ट अजीब सा हो जाएगा। और इसमें मैंने गार्लिक ये 3 डाल रही हूँ मैं, ठीक है। और ये ग्रीन चिलीज हैं, ये हम 3-4 ऐड कर देंगे, इससे कलर भी आएगा और इससे फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। और इसी के अंदर ही हम 1 अदद अंडा तोड़ के, अच्छा अंडा काइंडली अलग से तोड़ के ऐड कीजिएगा, कभी कभार अंडे ख़राब होते हैं तो फिर वो सारी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। और इसी के अंदर ही मैं फ़िलहाल तो 1 चम्मच डाल रही हूँ मैदा, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसका बैटर हमने ऐसे बनाया जैसे कि पकौड़ों का बैटर होता है, ठीक। तो आप उसी के लिहाज से इसको ऐड कीजिएगा। पानी में इसमें इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा इस्तेमाल किया हुआ है। नमक और लाल मिर्च जो है मैं बाद में ऐड करूंगी, बस अभी मैं इसको फ्रेश के लिए, हाँ इसको बस जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। पानी की जरूरत है? पानी ही लगेगा। उम्मीद करते हैं कि जो हजरात इस वक्त घर पे मौजूद होंगे उनकी भी इफ्तार इसी तरीके से बन रही होगी, और साथ साथ देखते जाएं और साथ साथ जो है
बनाते जाएं अपने घर पे। टीवी तो सबके टीवी लाउंज में मौजूद होता है और टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ ही किचन भी होता है, तो वहाँ से ख़वातीन हज़रात जो है वो देख रही हैं जिस तरीके से हमारी शेफ़ ने कहा कि हर घर में मुर्गी भी मौजूद होती है और अंडा भी मौजूद होता है, तो उठाएँ चीज़ें और बनाना शुरू करें साथ साथ रेसिपी। अच्छा तो वो थिक था बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने दूसरा भी अंडा डाल दिया। हाँ वो चूँकि बहुत थिक था और जो बाकी चीज़ें थी ना वो एक्स्ट्रा थी इसके अंदर। हाँ। हालांकि मैंने सिर्फ आधा प्याज लिया है, लेकिन देखेंगे क्योंकि इसके अब बैटर पतला है तो इसके अंदर थोड़ा सा मैदा हम और इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये आप उसकी कवरेज के लिए चिकन के लिए ना? हाँ, ये इसके अंदर डिप करके ना करते हैं लोग ब्रेड क्रम्स वगैरह, तो इसका एक अलग से तरीका है जिसमें हम लोग मैदे से इसकी इसको मैदे से कोट करेंगे। अरीज आपके डेली इफ्तार मेन्यू में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? अच्छा हमारी ऑन एंड ऑफ चलती है, कभी दही बड़े होते हैं, कभी चना चाट होती है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन फ्रूट चाट और पकौड़े पे वो जरूरी होती है जो आइटम जो वो है पकौड़े वो पकौड़े हैं और समोसे कभी कभी चिप्स भी। ठीक है, और इसमें से आप कुछ बनाती हैं? मुझे टाइम नहीं मिलता। जाहिर बात है आप यहाँ पर होती हैं। यस। इससे पहले बनाती हैं? हाँ बनाती थी। हाँ। बिल्कुल चिप्स तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी हैं तो वो तो चिप्स बहुत खाते हैं तो उनके लिए स्पेशली बनते हैं। वैसे भी पकोड़े ना हो तो कहेंगे कि रोज़ा ही नहीं है। कि वो चिप्स के साथ आप नूडल्स भी अच्छे बनाती हैं। हाँ अंडा भी अच्छा बना लेती हूँ। ऑन करने दें तो अब हम लोग आ गए हैं। अच्छा ये बैटर के अंदर नमक लाल मिर्च मैंने ऐड कर दिया चूँकि हमारे पास डिमांड है कि थोड़ा तीखा हो स्पाइसी हो, प्यार मोहब्बत इसमें ज़्यादा हो, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। वैसे जब घर में बच्चे हों तो आप प्लीज़ हरी मिर्च तो बहुत ही कम इस्तेमाल कीजिएगा और लाल मिर्च से भी अवॉइड ही कीजिएगा, लेकिन हमारे स्टूडियो में हम ये जो बना रहे हैं फरमाइश आई थी कि थोड़े ज़्यादा मसाले डाले। एग्जैक्टली। अच्छा और ये जो चिकन है ये आप कोशिश करें कि मैरिनेट करके रख दें तो बहुत अच्छा है, हमें तो चूँकि जल्दी जल्दी काम करना है इसलिए हम इसको मैरिनेट नहीं कर रहे, लेकिन आप घर में इसको कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट मैरिनेशन के लिए ज़रूर छोड़ दीजिए। अच्छा नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे मैरिनेट करना हो तो मैं कुछ देर पहले ना सॉसेस में डाल के रेड ये डाल के ना मिर्चें वगैरह नमक लाल मिर्च डाल के और फिर सॉसेस डाल के उसको मैरिनेट करती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं, तो इसके बाद भी ये करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए ना, वो तो आप फ्लेवर के लिए करती हैं ना। और जब चिकन आप धोते हैं घर पर तो उसको नमक और थोड़ा सा सिरका थोड़ा सा पानी और कोशिश करके अगर अजवाइन है तो उसके अंदर आप डिप कर दें तो उससे चिकन की स्मेल भी निकल जाएगी और मैरिनेशन का जो टेस्ट है वो भी उसके अंदर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब बस इसकी कंसिस्टेंसी हम ऐसे ही रखेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं। अभी हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, अगर आपके पास घर पर एयर फ्रायर है तो आप उसमें एयर फ्राई कर लें, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। डीप फ्राई नहीं करेंगे? सॉरी हम डीप फ्राई करेंगे, हाँ शैलो फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो चिकन पीसेज है वो बड़े बड़े हैं। अच्छा हम यही रेसिपी बोनलेस के साथ भी कर सकते हैं? एग्जैक्टली इसको बोनलेस के साथ कर लें, आप इसको स्कीवर्स के ऊपर लगा के कर लें, आप इसको लंच बॉक्सेस के लिए रख लें, बच्चों के लिए स्कूल तो खुले हुए हैं तो आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं, सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं। लेकिन ऐसा है कि होटल्स के अंदर ना ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अच्छा अपने बारे में बताइए, आपका कैसे आना हुआ, कैसे एक्सपीरियंस रहा? मेरा इस फील्ड में कैसे आना हुआ, इस फील्ड में ऐसे आना हुआ कि मैं मुझे जॉब तो कुछ और थी मेरी, जब मैंने एक होटल ज्वाइन किया तो मैंने एज अ होस्टेस ज्वाइन किया, लेकिन जब मैं वहाँ पर गेस्ट को खाना सर्व करती थी ना तो मैं सोचती खाना बनता कैसे है, तो वो एक शौक मुझे हुआ कि मैं अंदर जब किचन में जाती थी प्लेटर्स लेने के लिए तो तब बड़ा मज़ा आता था कि अच्छा वो फिश एंड चिप्स बना रहे हैं, वो कैनलोनी बना रहे हैं, वो टार्ट्स बना रहे हैं, तो वो देख देख के ना मैंने किचन में ट्रेनिंग करनी है। हिना तो हमारे व्यूवर्स के साथ न्यू नहीं है, ये तो हेल्थ का तड़का की मेंबर हैं और हेल्थ का तड़का में बहुत सारी रेसिपीज़ इन्होंने सिखाई हैं बना बना के, और हमें भी ये हम लोग ख्वाहिश का इजहार करते थे जब टीम मौजूद होती थी कि कुछ हमें भी खाने को मिलेगा, तो आज फाइनली हम इफ्तार जो है वो करेंगे कंट्री फ्राइड चिकन के साथ। Exactly. अच्छा मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि आपने बताया कि आपकी ओरिजिनल फील्ड कोई और थी, लेकिन आपको जब अच्छा लगा तो आपने फिर चेंज भी कर ली। बिल्कुल, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस सही वक्त पे सही फैसला करो। मैंने उस वक्त सही वक्त में वाकई सही फैसला किया। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे ज़रूरत थी जॉब की, तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ मैंने बहुत अच्छी जगह पे ज्वाइन किया और मुझे उस जगह से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बहुत दुआएं देती हूँ उन सबको ऑनर्स को, क्योंकि मेरे लिए वहाँ पे रिस्क लगा ना, तो फिर जब मैंने किचन फील्ड जो ज्वाइन की तो वो भी एक और ही मज़ा था वहाँ पर। हालांकि मैं अपनी
ड्यूटी के बाद जाके वहाँ पर काम करती थी सीखने के लिए, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था कि हम ड्यूटी आवर्स में जाकर वहाँ पे करें. लेकिन एक एडवांटेज ये थी कि हम ड्यूटी आवर्स के बाद जाकर वहाँ पे सीख सकते थे. तो फिर वो जो थक के घर जाना और फिर वो एक अलग ही मजा होता है. जब आप काम सीख रहे होते हैं ना और जिस काम में आपको मजा आ रहा हो, फिर आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, मैं साथ साथ एक इसके साथ एक ड्रेसिंग बना रही हूँ, डिप बना रही हूँ, जब तक थोड़ा सा ये ऑयल गर्म हो जाए. और ये बहुत आसान सी है, सिर्फ थोड़ी सी मेयोनीज हम लेंगे, दो तीन चम्मच. क्वेश्चन भी है मेरे पास, बताओ कि अब जैसे ऑयल हम जब करते हैं ना गरम, तो इसकी खास हीट होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत जल्दी से ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से कच्चा रहता है. बिल्कुल होनी चाहिए. तो वो कैसे पता चलता? देखो, हम तो रेस्टोरेंट्स में होटल्स में करते हैं टेम्परेचर, हमारे पास ये जैसे मेरे पास ये लगा हुआ भी है. हम इससे, लेकिन घरों में तो हम इसको नहीं चेक कर सकते. तो घरों में हम ऐसे बस हाथ का एक अंदाजा रखते हैं कि हमें अंदाजा हो, या हम थोड़ा सा फ्राइज हैं या कोई बैटर है उसको डाल के चेक कर लेते हैं कि इसका, हाँ, इसकी हीट तेज ना हो. अच्छा, ये आपने पहले मायोनीज, समझो 2 से 3 चम्मच मेयोनीज है, और इतनी ही मेरे पास टमाटो केचप है, और इसके अंदर मैं थोड़ी ऐड करूंगी ये हॉट सॉस. ये वही हॉट सॉस है जो आप लोग सूप्स में यूज करते हैं, रेड सॉस भी इसे कहते हैं. और इसके अंदर हम, मैं नमक नहीं इस्तेमाल करी, क्योंकि मेयो में भी नमक है, केचप में भी नमक है, चीनी है. तो बस ये हमारी एक ड्रेसिंग तैयार हो गई है. तो ये जो आपने सुर्ख मिर्च रखी हुई है, ये मैंने इसमें ऐड की ना. अच्छा, उसके लिए रखी है, मैंने उसके लिए ऐड की. और ये हम लोग आखिर में यूज करेंगे ये, हम, हाँ, ये तिल हम अभी मैं इसके अंदर जब ऐड करूंगी ना. अच्छा हुआ ये आपने मुझे याद करवा दिया, मैं तो भूल गई थी. बस इसको हम रिच थोड़ा सा उसमें ऐड कर दो, क्योंकि जब ये फ्राई होगा तो उस पर कलर आ जाएगा. अच्छा, हम आपको ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, आप मुझे बहुत तंग नहीं कर रहे. बहुत तंग नहीं कर रहे. ये अंदाजा हुआ कि एक बंदे को यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है, और एक अरीज आपका साथ देंगी. और अरीज, उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे. बिल्कुल, और नेक्स्ट टाइम अपने घर वालों को भी बना के देंगी. तो हम लोग आते रहेंगे वापस और पता करते रहेंगे कि क्या चल रहा है और नेक्स्ट क्या स्टेप होगा. लेकिन अभी हम लोगों ने जी मूव करना है अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और बल्कि ये सेगमेंट किचन के साथ ही मुंसलिक है. और मेरे साथ दो खूबसूरत सी शख्सियात मौजूद होंगी जिनके साथ हम लोग गपशप करेंगे, और वो हेल्थ से रिलेटेड होगी, वो हमारी फिटनेस से रिलेटेड होगी. मेरे साथ दो प्यारे प्यारे से चेहरे मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर कशफ हुसैन. डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया. जहाँ पर हम लोग हेल्दी खाने बनाना सीख रहे हैं, वहाँ पर खाना किस एतदाल में है और क्या क्या खाना है सहरी में, इफ्तार में, वो हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे. और हमारे साथ मौजूद हैं और लाइफ का ही फेस हैं, माह करीम के OST में भी आपने देखा होगा, इसके अलावा मॉर्निंग शो के सेल्फ डिफेंस सेगमेंट में भी देखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शिहान आकाश साहब. अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. शिहान से हम लोग जानेंगे कि क्या फिटनेस टिप्स हैं, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए रमज़ान में और कब करनी चाहिए. तो बात का आगाज़ करेंगे डॉक्टर कशफ हुसैन से. डॉक्टर साहिबा, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो जिस तरीके से अरीज ने भी कहा कि उनके घर में भी पकौड़े समोसे दस्तरखान का लाजमी हिस्सा है, तो ये हर किसी का हिस्सा है. तो रोजे तो फर्ज अल्लाह ने किए हैं, ये पकोड़े समोसे किसने फर्ज किए हैं? ये हम पाकिस्तानियों ने फर्ज किए हैं. हाँ, बस इसी पर आप बताएंगे हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. आगाज करते हैं सहरी से. ठीक है, सबसे पहले तो जैसे आप सबको पता है कि रमज़ान जो है वो बहुत बरकतों वाला महीना है, जहाँ पे हमें इसमें सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए. उसके साथ साथ हमें अपने बॉडी पर भी फोकस करना चाहिए, हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, आया जो हम खा रहे हैं वो क्या हमारा जो है वो वेट गेन कर रहा है, और क्या हम जो खा रहे हैं वो हमें मेनटेन कर रहा है. तो वाकई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सहरी से कि आप सहरी में क्या खा सकते हैं. पराठे, पराठे के बगैर तो समझ ले सहरी ही अधूरी है. जिस तरह नाश्ता अधूरा है, जिस तरह नाश्ता. और वाकई जैसे ब्रेकफास्ट जो है ना वो दिन का बहुत ज़रूरी मील है, सहरी जो है वो जो है रमज़ान में ना नाश्ते का किरदार अदा करती है. ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं पराठों पे. पराठों से अगर हो सकता है तो आप रोटी इस्तेमाल करें, सूखी रोटी, सूखी रोटी इस्तेमाल करें, होल ग्रेन वीट की. ठीक है, ब्राउन आटे की रोटी. लेकिन बहुत अच्छा, सारे ये भी ये शर्त है कि ब्राउन आटा हो. अब वो खालिस किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, जाके चक्की से खरीदना? चक्की के आटे का हो सकता है. नॉर्मली आजकल तो ऐसे कंपनीज भी आ गई हैं जो आ रही हैं, मतलब 5-5 kg के उनके पैक्स होते हैं बना के ब्राउन आटे के. इसका फायदा ये होता है कि हम जो है ना जब हम इसको खाते हैं तो इससे हमें कैलोरीज कम मिलती हैं. ठीक है,
तो लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पराठे नहीं छोड़ सकते, पराठे खाना उनके लिए जरूरी है, तो उनके लिए ये शर्त है कि वो पराठे के अंदर घी लगा लें या मक्खन लगा लें। स्क्रीन पे वो चल रहा है ना कि तेल में चीजें पक रही हैं, तो इससे कौन इज्तनाब करेगा, कौन नहीं इसको खाएगा? नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसे लिमिट कर सकते हैं। मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोगों को तो ये नुकसान नहीं देता, लेकिन वो लोग जो बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं उनको ये चीजें अवॉइड करनी होंगी इस महीने में। अंडा एक कम्प्लीट डाइट है, इसमें प्रोटीन भी मौजूद है, विटामिन डी के अलावा इसमें सब कुछ पाया जाता है अंडे में। उससे क्या होता है, आपको भूख नहीं लगती, ठीक है। और इसके साथ साथ ऐसा होता है कि आप स्पेशली में यहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उसके अलावा वो लोग जैसे कि जिनको शुगर है, शुगर के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक टिप शेयर कर सकती हूँ। वो जो पराठे अंडे नहीं खा सकते, वो जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ के दलिए का फ़ायदा ये है, इसमें थोड़ा सा अगर वो शहद ऐड कर लें तो पूरा दिन उनको वीकनेस नहीं होगी, जैसे कि शुगर के पेशेंट को तो ऑलरेडी बहुत भूख लग जाती है। बहुत अच्छी आपने बात की, मैं खुद दलिया खाता हूँ, लेकिन दलिए के साथ ना ये जो आप कुछ चीज़ें बता रही हैं, ये कुछ डालने का बताएं जिससे दलिया कोई इंटरेस्टिंग चीज बन जाए। मैं बिल्कुल उसी चीज की तरफ आ रही थी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, बुजुर्गों जो शुगर पेशेंट हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो में बिल्कुल हल्की सी मकदार में हनी ऐड कर सकते हैं, शहद। और जैसे कि आप जैसे लोग हैं, क्योंकि हमें भी वीकनेस हो जाती है, हम भी थक जाते हैं, थकावट हो जाती है, तो आप जो के दलिया में ना ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत एनर्जाइज है, आपकी गर्मी भी दूर रखेगा, ये सारा दिन आपको तेजाबियत नहीं होगी और आपको जो है ना फुलनेस वाली फीलिंग आएगी, थकेंगे नहीं आप। हाँ जी, ठीक। शेहान, मुझे ये बताएं कि लोग वैसे भी ज़िंदगी में अवॉइड करते हैं एक्सरसाइज से, तो रमज़ान में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रमज़ान में आपको पता है सारा दिन ये बहाना होता है कि रोज़ा है, रोज़ा है, रोज़ा है, और इफ्तार के बाद कैफियत ही तब्दील हो जाती है, एक वो बूजीनेस आ जाती है और सुस्त ऐसे हम लोग हो जाते हैं कि फिर तरावी के लिए भी उठना मुश्किल हो जाता है। तो ज़रा ये बताएँ। एक्चुअली मैं नजम, देखिए कि एक्सरसाइज जो है, जैसे आपने ज़िक्र कर दिया है, तो ये तो आपके लाइफ का हिस्सा है। लोग इसको एक छोटा सा लाइफस्टाइल बनाने के लिए करते हैं, यानी अपना स्टेटस शो करने के लिए करते हैं। आज के टाइम में मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई जिम जाएगा या एक्सरसाइज करेगा तो वो स्टेटस लगाने के लिए करेगा कि हमारे पास कुछ पिक्चर्स आ जाएं, कुछ चीज़ें आ जाएं, और अच्छे से अच्छे जिम में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वो करेगा। हालांकि ये जो चीज़ थी, ये इसलिए थी कि आप अपने आप को हेल्दी रखें। ये पूरा एक लाइफस्टाइल है जिसके अंदर आपकी न्यूट्रिशन और आपकी फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज है। अच्छा, आज हम दोनों क्यों बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों को ये बता सकें। आप लोग आज नहीं बैठे हमारे साथ, आपने एंड तक बैठे, इंशाल्लाह एंड तक बैठना, लेकिन ये लोगों को पता चल जाए कि फिटनेस और न्यूट्रिशन जो है, ये अगर अलग आप करते हैं तो आप कभी भी अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि 80% आपकी न्यूट्रिशन और डाइट का काम है आपकी बॉडी के अंदर, और 20% जो है वो एक्सरसाइज और फिजिकल फिटनेस का, न्यूट्रिशन का काम। डाइट का पता ही नहीं है कि आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, आपने किस तरह से खाना पीना है, और आप एक्सरसाइज करे जा रहे हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पर सर्च करके देखें तो बेतहाशा आपको वीडियोस मिलेंगी कि 5 मिनट में आप फेस से यहाँ से फैट ख़त्म कर लीजिए, 10 मिनट में आप पेट से फैट ख़त्म कर लीजिए। तो मैं ये सब कहता हूँ कि ये सब चीज़ें फजूल बातें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ एक्सरसाइज नहीं है या ऐसी डाइट नहीं है कि जिसको आप एक पोर्शन को टारगेट करके, मतलब स्पॉट रिडक्शन नहीं, आप मतलब डाइट शुरू करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं, और आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि उसने आपका फैट कहाँ से ख़त्म करना शुरू करना। पहली बात तो ये, इन चीज़ों को छोड़ दें कि 500 लोग क्रंचेस लगा रहे हैं, अपने मसल्स को डैमेज कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, तो ये चीज़ें छोड़ दें कि 5-10 मिनट में हो सकता है। अब आता हूँ मैं आपके उस सवाल की तरफ कि जी नॉर्मली तो हम करते नहीं है रमज़ान में क्या करें, तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी बेस्ट टाइम आप हमें बता दीजिए कि एक्सरसाइज का, वर्कआउट का बेस्ट टाइम क्या है। तो नॉर्मली भी वो पूछते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर अगर तो आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने एक कुदरती आपको मौका दिया है कि जिसके अंदर आपका जो है फैट वैसे ही कट हो रहा होता है, लेकिन हमने क्या किया है कि आप अगर इसकी रिसर्च करके देखें, सर्च करके देखें इसके ऊपर, तो आपको ये मिलेगा कि जो गोरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी मुसलमान लोगों के पास ये बड़ी अच्छी, अल्लाह ताला ने उनको मतलब ये चीज़ दी है गॉड ने, कि वो अपना जो है फिटनेस को वो बरकरार रख सकते हैं, बल्कि वो खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, बिल्कुल, और हमारे तो पास एक मौका मौजूद है। तो आप जो है रोज़ा खुलने से पहले, जो ये हमारा टाइम है जिस टाइम में हम बैठे हुए, अगर इस टाइम में आप जो है वर्कआउट करते हैं तो ये बेस्ट है। अगर आप 15 दिन भी, मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरा महीना करें, आप 15 दिन भी अगर ये कर लेते हैं तो मैं आपको ग्रंटेड ये बात कहता हूँ कि आप 15 दिन में अगर 15 किलो नहीं तो 10 किलो वजन ज़रूर कम कर सकते हैं, अगर डाइट और एक्सरसाइज को मिला के कीजिए। रमज़ान में किस टाइम पे करें?
हर रमजान की, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि रमजान में हम रोजा खुलने से पहले आप कर सकते हैं जिस टाइम में हम अभी मौजूद हैं, और इसके साथ अगर आप ये समझते हैं कि आप इस टाइम में नहीं कर सकते क्योंकि ये माइंडसेट है, हमें ये लगता है कि हम भूखे हैं। नॉर्मली आप देखें कि लाइफस्टाइल के लिए जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आप सुबह उठ के जाते हैं, आप उस टाइम कुछ ज्यादा नहीं खाते हैं, तो वो भी आपका एक किस्म का रोजा ही होता है। तो आप अगर इस टाइम नहीं कर सकते तो दूसरा टाइम आपके पास बेस्ट ये है कि अगर आप सोते हैं, सो के उठते हैं, तो सहरी करने से पहले आप वर्कआउट कर लें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 5-6-7 घंटे का ब्रेक आ चुका होगा, आपकी बॉडी फैट कटिंग मोड पे खुद ब खुद जा चुकी होगी, उसके बाद जो आप करेंगे उसका फायदा होगा। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ हैं, तो उसके अंदर ये डेंजरस है कि आप रोजा रख के इस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, उसके लिए ये है कि फिर अफ्तार के बाद 2-3 घंटे का मार्जिन देके आप तरावियां पढ़ें और फिर आप जिम ठीक हो गया। रमजान में जो आपके वर्कआउट का टाइम है आपने 30-40% कम करना है, ठीक है, रोजे की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी आप डिहाइड्रेशन की तरफ गए होते हैं, चाहे आप रमजान के रोजे के रमजान में रमजान हाँ जिस टाइम भी आप वर्कआउट करें आपने 30-40% नॉर्मली जो आप करते हैं उससे आपने अपना वर्कआउट का ड्यूरेशन जो है वो कम करना है, ठीक है, कम करना है आपने। वाह, और इसको इस तरीके से भी अप्लाई किया जा सकता है, वो मैं चले इनसे पूछूंगा। मुझे ये बताएं कि सहरी में सब शौकीन होते हैं, कुछ ना कुछ कोई चाय पीता है, कोई जूस की तरफ जाता है, कोई शेक्स की तरफ जाता है, कुछ लोग कॉफ़ी की तरफ तवज्जो देते हैं, तो क्या चीज़ बेस्ट है? कुछ लोगों की नींद जो है वो चाय से दूर होती है, कुछ लोगों का दिमाग कॉफ़ी से खुलता है, और आजकल लस्सी भी बड़ी बेहतरीन चल रही है, और हमें याद ही पता नहीं क्यों लस्सी आती है रमज़ान में, हालांकि वैसे बहुत एक बेहतरीन नेचुरल चीज़ है। तो इसके बारे में सहरी में ना, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप पराठे की जगह रोटी को प्रेफरेंस दें, ठीक है, अगर आप रोटी फिर भी पराठा खा रहे हैं तो उसके सेंटर में लगाएं, उसके साथ आप कोई भी सिंपल वेजिटेबल ले सकते हैं, आप हलीम ले सकते हैं, कोई दाल ले सकते हैं, ठीक है, उसके साथ आप 1 कप दही का इस्तेमाल लाजमी करें और 1 से 1.5 ग्लास आप लस्सी लाजमी इस्तेमाल करें। और चाय, मेरे जैसा बंदा जिसकी मतलब सुबह ही नहीं होती चाय के बगैर, सहरी नहीं होती चाय के बगैर, तो आप चाय भी पी सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी का यहाँ पर एक नुकसान है, जैसे कि ऑलरेडी हमारी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई होती है, हमारा तकरीबन अफ्तारी से लेके सहरी तक 2-3 घंटे की नींद होती है, हार्डली 3 घंटे की नींद होती है। जब आप सहरी में कॉफ़ी पीते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपको नींद नहीं आती, इस वजह से आपको होती है थकावट, आप एक रेस्टलेसनेस की कंडीशन में चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा, आप सुबह, आपको पता है जैसे अभी हमारे पाकिस्तान में छुट्टियाँ नहीं हैं, काम करने वालों ने काम पर जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो कॉफ़ी से अगर आप पियेंगे तो आपका माइंड जो है वो सोएगा नहीं, तो इसलिए आप कॉफ़ी को अवॉइड करें रमजान के महीने में। इसके साथ साथ कॉफी जो है ना वो एक स्टिमुलेंट है, अपनी बॉडी को स्टिमुलेंट का आदि ही ना बनाए, स्टिमुलेंट, ठीक है, स्टिमुलेंट, ये स्टिमुलेंट क्या है? ये ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो कि टेम्पररी तौर पे हमारा फंक्शनल एक्टिविटी को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, बूस्ट कर देते हैं, और हमारी बॉडी, हाँ जी, आरजी तौर पे, फिर हमारी बॉडी इन चीज़ों की आदी हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं जो लोग कॉफी पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, अच्छा कैफीन हो गया, कॉफी देख सकते हैं, जो लोग कॉफी पीते हैं वो जब तक कॉफी ना पिए वो काम ही नहीं कर सकते, तो लैपटॉप पे बैठना, एग्जैक्टली सेम इसका वही सीन है, कैफीन जी जी कॉफी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, कॉफी निकला ही कैफीन से है। थोड़ी देर बाद जागती हूँ, जैसे एक आवाज सुनती हूँ और मुझे लगता है ओह माय गॉड दिस इज माय क्यू जी, तो कॉफी आप अवॉइड करें रमजान के महीने में, ना पिए, ठीक हो गया। शेहान, क्या ऐसा पॉसिबल है जो मैं खुद पर अप्लाई कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, एक दिन जिम जा रहा हूँ, एक दिन नहीं जा रहा, एक दिन वर्कआउट कर रहा हूँ, एक दिन नहीं कर रहा? अच्छा, उसके अंदर ना 2-3 चीज़ें हैं नजम, अगर तो कोई अभी हमें देख के इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि जब आपने रोज़ा रखा है तो आपकी बॉडी के अंदर एक चेंज आया है, और उसके साथ जब आप फिज़िकल कोई वर्क करेंगे तो उसके असरात आपकी बॉडी के ऊपर होंगे, क्योंकि आपको एक, आपने माइंड को एक कॉल दे दी हुई है कि जी ये नहीं कर सकते, रोज़ा रख के एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, तो डेफिनेटली आपको 2-4-5 दिन उसके साथ यूज होने में, एडजस्ट होने में वो लगेंगे, और तकलीफ का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, क्योंकि रमज़ान के अंदर कुछ मार्जिन हम दे देते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी वो कह देते हैं कि आप जी अच्छा चलें, आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन उसके अंदर शर्त ये है कि जैसे कशफ ने भी कहा कि आपने उसका पोर्शन कम करना है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जो रेगुलर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो वो एक तो रोज़ा रख के एक्सरसाइज ना करें, वो उसके बाद करेंगे, और आप एक दिन का मार्जिन उसके अंदर दे सकते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप बिल्कुल कोई चीज़ नहीं करेंगे या उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देंगे तो उससे बेहतर ये है कि स्पेस होके हो रहा है आप, लेकिन उसको कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, आप अपनी रूटीन में से हट नहीं रहे, 30 दिन की बात है, उसके बाद फिर आप अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो चांस है ये उन लोगों के लिए है जो वज़न कम करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती सिस्टम रखा होता है फैट कटिंग का। मैं कशफ हमारे साथ बैठी हुई है, ये इस बात को ऑन करेंगी और ये बढ़ाएंगी भी इसे आगे, कि महंगे से महंगा न्यूट्रिशनिस्ट, महंगे से महंगा डाइटिशियन जो है या फिटनेस एक्सपर्ट, वो करता ये है कि आपकी कार्ब की सप्लाई को कम कर देता है।
ठीक है, ये इस बात को खुद आगे बढ़ाएंगी। और मैं आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन को समझाना चाहूँगा कि जिनको नहीं पता है कि कैलोरीज क्या हैं, आपका जो है आपने ये प्रोटीन क्या करना है, मसल गेन किया, तो आसान अल्फाज में उनको मैं ये प्रोसेस समझाता हूँ कि आपकी जब ये कार्ब की सप्लाई कम कर देते हैं तो कार्ब से हमें मिलती है एनर्जी, जो हम बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें, हमें एनर्जी चाहिए। जब उसकी सप्लाई बाहर से बंद होगी तो हमारे जिस्म के अंदर जो फैट है, ये आप ये समझें कि आपकी इनकम अगर 20,000 है तो आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में सेफ हो रहा है। हाँ। यानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी 1,000 कैलोरीज की और आप 2,000 लेते रहे तो 1,000 कैलोरीज आपकी बॉडी में सेव होती रही और वो फैट की सूरत में निकल आई। अब उसको करने के लिए हमने क्या करना है कि अपनी इनकम ख़त्म करनी है और जो हमारे पास सेविंग्स है उसको यूज़ करना है। तो जब आप कार्ब की सप्लाई ख़त्म कर देंगे तो आपको ज़िंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो कटिंग मोड पे चली जाएगी और वो फैट को खाना शुरू करेगी और आपके ब्रेन को, आपके जिस्म को एज एनर्जी वो पहुंचाना शुरू करेगी। उसमें से वो रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप अपने आप को कितना काम कर सकते हैं। अब होता ये है क्योंकि हम ऑलरेडी वो फैट कटिंग मोड पे हैं, रोज़ा रखा हुआ है और उसके साथ अगर आप थोड़ा सा 10-15 मिनट का वर्कआउट ऐड कर लेंगे, वॉक कर लेंगे, कोई भी चीज़ कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अब जैसे जो लोग स्लिम होते हैं उनको भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, अब अक्सर ये लोग पूछते हैं, जैसे आप हैं। हाँ। तो मैं एक जगह पे सेशन करवाया था तो वहाँ पे ना बड़ी हेल्दी खातूंस जो हैं वो मौजूद थी, तो उसमें से एक पतली दुबली सी लड़की, उसने हाथ उठाया, उन्होंने कहा कि जी भाई मुझे ये बताइए कि हम तो सब कुछ खा लें, आप तो इनकी बात कर रहे हैं तो हेल्दी हो जाते हैं, हम जो कुछ खा लें हम हेल्दी नहीं होते, तो ये ऐसी कौन सी बॉडी होती है? मैं क्या, ऐसे लोग वो होते हैं जिनको शायद किसी की बदवा होती है कि जो मर्जी वो खा लें उनको जो है ना वो लग नहीं रहा होता है। अच्छा, ये थायराइड का टेस्ट अक्सर रेकमेंड करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, थायराइड का टेस्ट आपको रेकमेंड करते हैं। थायराइड एक ऐसी बीमारी है, उसके ऊपर कश्यप आपको बताएंगी मजीद। वो उससे ये होता है कि अक्सर लोगों का अगर वो मसला हो जाए तो वेट गेन हो जाता है लोगों का और आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, हाँ। डाइट कर लें, कम नहीं होता और उसमें से कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं जो अंडरवेट हो जाते हैं। मैं सहरी के लिहाज से एक टिप शेयर करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो पूरा दिन थका थका फील करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा दिन जो है वो एनर्जाइज रहें, आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, उसमें 3 से 4 अंजीर आप सहरी से थोड़ी देर पहले रात को या अफ्तारी के टाइम आपने भिगो के रख देना है, ठीक है, उसको कवर कर देना है रूम टेम्परेचर पर। फिर आपने क्या करना है, वो अंजीर निकालनी है और सहरी करने से आधा घंटा पहले आपने खा लेनी है। इसका आपको फायदा क्या होगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपके मैदे की गर्मी दूर रहेगी और आप सारा दिन जो है ना वो एनर्जाइज फील करेंगे। वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच शेहान। कल नए टॉपिक के साथ फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे। अभी चलते हैं वापस किचन की तरफ और किचन में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हमारी रेसिपी पहुंची। जी माशाल्लाह, इट वाज सो क्विक, हमने तो रेसिपी डन कर ली। वाह, जितनी देर में आपने चिटचैट की, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है और इफ्तार का वक्त भी करीब हुआ चाहता है तो इफ्तार में जरूर बढ़ती जा रही है और मेरा ख्याल है कि अब जो है हम लोग बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले आप बता दें कि गार्निशिंग लास्ट जो की है। हाँ, गार्निशिंग में तो गार्निशिंग आप वो करें जो एडिबल हो, जो खाने के काबिल हो। तो मेरे पास चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा था टमाटर था, वो मैंने चॉप करके ऐड कर दिया, आपके पास सारा धनिया हो, पार्सली हो, तो आप वो खूबसूरती, जाहिर सी बात है जब आप कोई नए कपड़े लेते हैं तो आप कहते हैं अपने टेलर से जरा खूबसूरत सा सिले वो, तभी उसमें जान आ जाती है। तो अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपके खाने में भी जान आ जाएगी। तो पहले आंखें देखेंगी, आंखें खाएंगी, बाद में आपका जो है ना टेस्ट जो है ना वो आप जुबान के थ्रू अंदर लेके जाएंगे। तो अगर आंखों को खूबसूरत लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, साथ साथ भूख की शिद्दत बहुत ज्यादा, काश आपको भी कैमरे से खुशबू आ सकती। बहुत बहुत मजे का लगा और बहुत अच्छा लगा कि इतनी जल्दी से ये बन गया। आपने सिर्फ बॉइल करके रखना है चिकन को और बाकी सारी चीजें आपने फौरन से किया, इसमें 5-10 मिनट अगर बोनलेस है तो बॉइल ना भी करें। अच्छा, उसके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन हड्डी वाला तो टेस्ट के लिए मैंने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हम नई एपिसोड के साथ, एक नई रेसिपी के साथ कल आपसे मुलाकात होगी। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट हमारा बहुत ही खूबसूरत है, ज़मीन के नन्हे मुन्ने फरिश्ते, उनके साथ हम लोग मौजूद होंगे, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे और उनको कुछ ना कुछ कहानी भी सुनाएंगे, क्योंकि दस्तरखान जब लगा होता है ऐसे मौके पे ये वक्त सबसे ज़्यादा अहम होता है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अल्लाह को याद करना चाहिए और फिर बच्चे बड़ा भूख से और पूरी फैमिली दस्तरखान जिस तरीके से हमारे सामने लगा हुआ है तो सबका दिल कर रहा होता है खाने के लिए, तो उस टाइम कहानियाँ सुनाया करें अपने बच्चों को और यही रिवायत हम लोग यहाँ पर भी रखेंगे। छोटा सा वक्फा कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। Thank you.
आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ अरीफ मुहिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं नजमुस्साकिब और हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे मुन्ने से फरिश्ते, ज़मीन के फरिश्ते, नन्हे मुन्ने बच्चे। और ये हमारी ट्रांसमिशन का एक नया सेगमेंट होगा जो आप लोग देखेंगे, और इसका नाम भी अगर हम यूं ही रख लेंगे ज़मीन के फरिश्ते तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे जो है वो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने 6 बच्चे मौजूद हैं, ठीक है, और हम लोग इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इनसे पूछिए कि इनका नाम क्या है, ये कितनी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। आप उधर से पूछें, आप कौन सी क्लास में हो? 1। और आपका नाम क्या है? यमुना जहरा। यमुना जहरा, नाइस। आपका? ज़ैनब आतिफ। ज़ैनब आतिफ, आप कौन सी क्लास में हो? 3। 3 में हो। और आप? अबुबकर। आप कौन सी क्लास में हो? KG। KG, अच्छा। और बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं, सारे बच्चे तैयार होके आए हैं, ठीक है। आपको किसने तैयार किया? जुमना मामा ने तैयार किया या बाबा ने तैयार किया? आप ही ने तैयार किया है। और जुमना की आप ही भी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मोहित जी। हाँ, मैंने नाम पहले पूछ लिया था। कौन सी क्लास में हो आप? 6th क्लास में हो। और आपका क्या नाम है? रजा काजिम। रजा, ये दो जो दांत हैं ये किधर गए हैं? वो जरा कैमरे में दिखाओ, ये वाले दांत ये किधर गए हैं? और आपका क्या नाम है? मोहम्मद जकी। कौन सी क्लास में हो आप? 2 क्लास में हो। अच्छा, मुझे ये बताओ, सारे बच्चे इधर देखो, मुझे ये बताओ आप लोगों को स्टोरीज कोई सुनाते है घर में? नहीं। कोई नहीं सुनाता? नहीं। मामा ने नहीं सुनाई कभी स्टोरी? मामा ने एक दफा सुनाई। कौन सी स्टोरी सुनाई थी? शेर और चूहे वाली। वो भी हम आपसे सुनेंगे। और किसको कौन सी स्टोरी आती है? आपको भी मामा ने वही सुनाई थी? भाइयों, बस मामा ने एक स्टोरी याद की है, ठीक है। जकी की मामा ने, रजा की मामा ने एक स्टोरी याद की है जो मोहित को भी सुनाई थी और रजा को भी सुनाई थी। आप लोगों को स्टोरी सुनाई? अबू बकर, आपके पापा ने नहीं सुनाई? आप ही ने भी नहीं सुनाई आपको? जरूरी होता है कि आज, अब देखें, पहले दादा दादी नाना नानी बच्चों को स्टोरी सुनाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता जा रहा है। अब हम लोग सब लोग अलग अलग फैमिलीज में रहना शुरू हो गए, जॉइंट फैमिली का सिस्टम खत्म हो गया, जिसकी वजह से फिर वो कहानियों वाला भी। सही बात है, ये अरीज ने बहुत अच्छी बात की। और यही इस वक्त हम लोग जिस तरीके से ब्रेक से पहले बोल रहा था कि दस्तरखान यहाँ पर लगा होता है, बच्चे बैठे होते हैं और सब उस वक्त इंतजार कर रहे होते हैं अजान का, तो उस वक्त छोटी छोटी सी स्टोरी सुनाया करें। आप सबकी तवज्जो है बच्चों? आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊं? अच्छा, हम लोग स्टोरी यहाँ से शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक के जो पहले पैगंबर थे जिनको भेजा गया रहनुमाई के लिए, पैगंबर कौन होते हैं? जो हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक भेजते हैं, कौन होते हैं पैगंबर? ऊंची आवाज से तमाम बच्चे, सारे बच्चे बोलेंगे, कौन होते हैं पैगंबर? जो हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक भेजते हैं। हाँ, जो हमें अच्छे काम करने के लिए अल्लाह पाक भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? कि अच्छे काम करवाएंगे। किस लिए यमुना? अच्छे काम करवाएंगे। तो पहले जो पैगंबर थे उनका नाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पहला इंसान बनाया और वो पहली मखलूक थे, क्योंकि उससे पहले कौन होते थे? फरिश्ते होते थे और जिन होते थे। और पहले इंसान जो थे वो अल्लाह ने हजरत आदम बनाए। आप और हम कौन है? हम सब क्या है? इंसान है। तो पहले जो इंसान थे वो हजरत आदम अल्लाह ने बनाए। जब हजरत आदम को बनाया तो आप लोगों को पता है कि शैतान है ना एक, ठीक है, तो शैतान का नाम क्या है? इबलीस। बताया हुआ है मामा पापा ने, शैतान का नाम है इबलीस। और हमें, हम सबको क्या करना है? शैतान से दूर रहना है, शैतान से बचना है, दूर रहना है शैतान से। तो शैतान था पहले जब बनाया गया हजरत आदम को, तो अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को, शैतान पहले जिन था और बाद में फरिश्ता बना। मेरा सवाल ये है कि जिन्नात में और फरिश्तों में क्या फर्क है? किसी बच्चे को पता है? जिन्नात आग से बने होते हैं। एक मिनट, माइक में। जिन्नात आग से बने होते हैं और फरिश्ते नूर से बने होते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा बताया। तो शैतान जो था, इबलीस जो था, वो था जिन, लेकिन उसने अल्लाह की इतनी ज्यादा इबादत की कि उसको फरिश्तों का भी मर्तबा दे दिया गया। फिर जब हज़रत आदम को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, जब हज़रत आदम पहले इंसान अल्लाह ने बनाए ना अबू बकर, तो अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को
और जकी तमाम जिन्नों को क्या हुक्म दिया अल्लाह ने कि सजदा करो। हम अल्लाह को सजदा करते हैं ना नमाज जब हम लोग पढ़ते हैं, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये जो इंसान हैं जिनको मैंने नई मखलूक जो बनाई है, इनको मैंने सबसे अच्छी मखलूक बनाया है, ये फरिश्तों से भी ज्यादा अच्छे हैं। किन से ज्यादा अच्छे हैं? फरिश्तों से भी अच्छे। तो हम इंसान जो है हम लोग किससे अच्छे हैं? जिन्नों से भी अच्छे हैं और फरिश्तों से भी ज्यादा अच्छे। कहा जाता है अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मखलूकात मतलब सबसे अच्छी, सबसे अशरफ, सबसे आला वाली मखलूक हम लोग इंसान हैं। तो अल्लाह ने जिनको कहा, जिन्नों को, फरिश्तों को और शैतान को, सबको कहा कि सजदा करना है हजरत आदम को। तो उस वक्त सब लोगों ने सजदा किया अल्लाह का हुक्म मानते हुए, क्योंकि हम सब ने अल्लाह का हुक्म तो मानना है ना। सब ने सजदा किया इंसान को, हजरत आदम को, लेकिन किसने सजदा नहीं किया? शैतान ने। बहुत अच्छी बात। कौन था वो? जिन था उस टाइम, सिर्फ उसका नाम इब्लीस था, लेकिन अभी वो शैतान नहीं बना था। हाँ, और उस वक्त वो इब्लीस था। तो जब उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, जब आप अपनी मामा का कहना नहीं मानते तो आपकी मामा क्या करती है रजा? आपको डांटती है ना, ठीक है? और कई कई जगहों पे आप बहुत गलत काम करो तो मार भी पड़ जाती है, ठीक है? तो अल्लाह ताला शैतान से नाराज हो गए और शैतान को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि निकल जाओ यहां से, अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। शैतान ने क्या नहीं किया था? अल्लाह ताला की इताअत नहीं की। अल्लाह ताला की बात क्या नहीं मानी थी शैतान ने? शाबाश। आप भी बताओ, अल्लाह ताला को नहीं सजदा करना था? किसको करना था? हजरत आदम को सजदा करना था। हाँ, शाबाश। तो सजदा जब नहीं किया, अल्लाह पाक ने उसको निकाल दिया। और अल्लाह पाक का जिस तरीके से हमारा ये होता है ना, जिस जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं इस जगह पे, तो अल्लाह अर्श पे थे और वहाँ से अर्शे मौला से अल्लाह ने बोला कि यहाँ से निकल जाओ शैतान, और फिर शैतान को जमीन पे भेज दिया गया और हजरत आदम को जन्नत में भेजा। किधर भेजा? जन्नत में। और हजरत आदम के साथ फिर दूसरी जो इंसान आई इस दुनिया में, उनको हम लोग कहते हैं बीबी हव्वा, हजरत हव्वा। कौन पहले कौन आए थे? आदम। और दूसरी कौन आई थी? हजरत हव्वा। ये लोग जन्नत में चले गए और अल्लाह ने इनको बोला कि आप लोगों ने सब कुछ करना है। जन्नत के बारे में सबने सुना है ना, बहुत खूबसूरत है जन्नत, ठीक है? तो जन्नत में बोला भी है, पानी भी है, दरख्त भी है, खुशबू भी है, सब कुछ है। जो चाहेंगे आपको मिलेगा। अभी अबू बकर का अगर खाने को दिल हो रहा है ना आम, ठीक है, तो आम खाने को मिल जाएगा। यहाँ पर किसी का कुछ खाने को दिल हो रहा है तो वो मिल जाएगा फौरी तौर पर। जन्नत इतनी खूबसूरत जगह है। अल्लाह ने हजरत आदम को बोला कि आप लोगों को मैं जन्नत में भेज रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने एक ये दरख्त है, एक ये फल है, इसको नहीं खाना। क्या कहा? एक फल है जो नहीं खाना, जो नहीं खाना। लेकिन शैतान, शैतान को जब अल्लाह निकाल रहा था तो शैतान ने अल्लाह से एक रिक्वेस्ट की। शैतान को अल्लाह ने निकाल दिया था ना, तो शैतान ने अल्लाह से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे निकाल रहे हो, लेकिन मुझे कयामत वाले दिन तक जिंदा रखो और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपका ये जो बनाया हुआ मखलूक है ना इंसान, जिसको आप अच्छा कह रहे हैं, मैं इसको गुमराह करूंगा। क्या करूंगा? गुमराह। तो अल्लाह ने बोला कि जो जिसको आप गुमराह कर लोगे, हम गलत काम जो करते हैं ना, ठीक है, झूठ बोलते हैं, ठीक है, हम लोग मामा बाबा की बात नहीं मानते, ठीक है, ये हमसे सब कौन करवा रहा होता है? शैतान। तो हम लोगों ने क्या करना है? शैतान से क्या रहना है? दूर बच के रहना है। तो इससे हमें ये क्या मैसेज मिलता है कि शैतान अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाया है, शैतान के कामों से हम लोगों ने बचना है। तो शैतान ने क्या किया, हजरत बीबी हव्वा को और हजरत आदम को क्या किया, उनको जो है वरगलाना शुरू किया और उनको बोला कि ये वाला फल क्यों नहीं खा रहे हो, ये वाला फल तुम क्यों नहीं खा रहे हो, अल्लाह ने इस फल से मना किया है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ है, थोड़ा सा चख लो, देख लो। उनको ये बताया कि अगर तुम ये वाला फल खा लोगे तो तुम्हारी जिंदगी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तुम कभी भी फिर जो है मरोगे नहीं। क्या कहा? कि तुम्हारी कभी भी जान नहीं जाएगी, ठीक। तो उन्होंने वो फल खाया और अल्लाह ने क्या कहा था? नहीं खाना। शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब देना। अल्लाह ने क्या कहा था? नहीं खाना।
तो जब उन्होंने वो खा लिया तो इस पर अल्लाह ताला का नाराज होना बनता है। अल्लाह ने झूठ बोलने से मना किया तो हम जब झूठ बोलेंगे तो अल्लाह नाराज होंगे, ठीक है। अल्लाह ने जब मामा बाबा का कहना मानने का बोला है, अल्लाह ने जब बोला है कि अच्छे काम करो तो हम लोग अच्छे काम करेंगे ना, बुरे काम करेंगे तो अल्लाह क्या होगा, नाराज। इसी तरीके से अल्लाह हजरत आदम से नाराज हुए, बीबी हव्वा से नाराज हुए और उनको भी जमीन पे भेज दिया। पहले किसको जमीन पे भेजा था, उनसे शैतान को। तो आप तीनों कौन आ गए जमीन पे, शैतान, हजरत आदम और हजरत हव्वा। अब आगे जो है वो स्टोरी चलती रहेगी इसी तरीके से, लेकिन अभी तक की यहां तक की मैंने आपको स्टोरी सुनाई। अब इससे हमें सबक क्या मिला कि पहली चीज तो कि अल्लाह के हमने तमाम उसके हुक्मों को मानना है और अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएंगे। और जब अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएंगे तो हमें पहले जन्नत में जिस तरीके से भेजा गया, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी अच्छी नेमतें अल्लाह ने हमें दी, इतने अच्छे कपड़े दिए आपको, इतना खूबसूरत खाना खाने को मिलता है आपको, ये सब कुछ अल्लाह पाक वापस ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, अल्लाह ताला बच्चे बताएंगे सारे बच्चे बताएंगे हमें क्या करना है। माइक वो क्या, अल्लाह ताला की बात माननी है। वेरी गुड, अल्लाह ताला के अहकामात मानने हैं, अल्लाह ताला के। रजा और क्या करना है हमने, शैतान से दूर भागना। हम लोग ने अच्छे अच्छे काम करने हैं। अच्छे अच्छे काम कौन से होते हैं बताओ, मम्मा की बात माननी है। तो जकी मम्मा की बात मानते थोड़ी थोड़ी मानते हो। अच्छा चलो, और क्या हमने करना है, बुरे कामों से दूर रहना है। शाबाश। और बच्चों का कोई सवाल है, और अच्छे काम वो होता है जैसे कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना। अच्छे काम क्या होते हैं रजा हमें बता रहे हैं, उधर उधर कैमरे में देख के, उधर 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 कैमरे में देख के, उधर नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और झूठ नहीं बोलना। नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, झूठ नहीं बोलना। तो बाकी हम लोग यहाँ से जो है दूसरी स्टोरी की तरफ जो है वो दूसरी स्टोरी भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मजा आया जी। तो आप लोगों ने क्या सीखा सबने, कि अल्लाह के हम लोगों ने बात माननी है और अल्लाह की किसी बात को रद्द नहीं करना, वरना हमारे पास अजाब आएगा अल्लाह का और अल्लाह पाक हमसे नाराज हो जाएंगे। जी ख्वातीनों हजरात, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है, चंद ही घड़ियां रह गई हैं, तो हम लोग आप लोगों से लेंगे इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको ट्रांसमिशन पसंद आई होगी, कल 17वें रमज़ान को आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। अरीज आखिर में कुछ कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है कि हम फाइनली ये सारे सेगमेंट्स कर रहे हैं, जो हमारी ख्वाहिश थी शुरू से अब वो पूरी हुई है और इंशाल्लाह हम इसी को लेकर चलेंगे आखिरी रमज़ान तक। हम रोजाना कोई ना कोई स्टोरी सुनाएंगे, कोई ना कोई कुकिंग रेसिपी सीखेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करेंगे, हम अपनी एक्सरसाइज सीखेंगे। वेल, कल मुलाकात होगी मुझे और अरीज को और हमारी और लाइफ की इस पूरी ट्रांसमिशन के अंदर जो जो लोगों की मेहनत मौजूद है उन सबको दीजिए इजाज़त, आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ने कहा।